So welcome back. This is SN6 project management for OMSM, and this is for CMA Intermediate June 2023 attempt. तो आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करेंगे. बाकी सारे चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं. वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर्स. व्हाट आर रिमेनिंग राइट नाउ इज SN4 व्हिच इज प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, एंड SN6 व्हिच इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. ओके, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज नाउ फुल्ली कंप्लीटेड. ऑल अदर चैप्टर्स ऑफ OM आर ऑल्सो कंप्लीटेड. यहाँ पे हम अब पहले कर रहे हैं SN6 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. सो देखते हैं, मैक्सिमम इट विल टेक 4 लेक्चर्स. मैक्सिमम इट माइट गेट कंप्लीटेड इन 3 ऑल्सो. ओके, 4, 3 में भी कंप्लीट हो सकता है. ओके. राइट. सो चलिए, सो ये है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. फर्स्ट आई जस्ट गिव यू सम इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. ओके, सो जब हम सो ये जो प्रोजेक्ट जब हम बोलते हैं, इसका रिलेशन होता है कॉन्ट्रैक्ट के साथ. ये प्रोजेक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट दे आर सिमिलर. ठीक है, एक चीज क्या होता है नॉर्मली इन फॉर प्रोजेक्ट, इसमें जो है ना यू विल हैव व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज मोर. ठीक है, तो व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज मतलब ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो कलम पेन से काम लेते हैं. ठीक है, ऐसे जो लोग होते हैं इनको बोलते हैं व्हाइट कॉलर. ठीक है, और जो मैनुअल वर्क करते हैं इनको बोलते हैं ग्रे कॉलर. ठीक है, राइट. सो बस यही फर्क होता है आपका मेन प्रोजेक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट, बट द वे इट इज ऑर्गेनाइज्ड बोथ आर वेरी सिमिलर, प्रोजेक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, और ये दोनों में क्या फीचर होता है कि बोथ आर ओके, ये अनएंडिंग नहीं होता है. सो इसका एक फिक्स्ड ड्यूरेशन होता है ऑफ बोथ. ठीक है, तो इसके अलावा ये एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर हटा दूं, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट सेम ही रहेगा आपका. दिस विल ऑल्सो बी फॉर शॉर्ट टर्म, दिस विल ऑल्सो बी फॉर शॉर्ट टर्म. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट टर्म इज यूज्ड मोर रियल एस्टेट वगैरह में ज्यादा यूज होगा. ठीक है, रियल एस्टेट एंड थिंग्स लाइक दैट, कॉन्ट्रैक्ट विल बी यूज्ड मोर दिस टाइम. और ये जो है प्रोजेक्ट आपका, ये जो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वगैरह जो चीजें रहती है विच आर डिलीवर्ड, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक नेचर विच आर डिलीवर्ड, ठीक है, उसको प्रोजेक्ट्स बोला जाता है. ठीक है, तो आप इंडिविजुअली पिन पॉइंट करेंगे तो एग्जैक्टली एक कॉन्ट्रैक्ट या एक प्रोजेक्ट, जहां आप जिसको आप एक कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हो उसको आप एक प्रोजेक्ट भी बोल सकते. ठीक है, एज सच फाइन. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोजेक्ट. ठीक है, बोथ आर फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन और फिक्स्ड ड्यूरेशन. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोजेक्ट आर फॉर फिक्स्ड ड्यूरेशंस. ठीक है, जैसे 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 2 महीने में खत्म हो जाते हैं. ओके, सो जो कॉन्ट्रैक्ट्स नॉर्मली जो है ना, ये थोड़े लॉन्गर टर्म रहते हैं. ओके, नॉर्मली दे आर रिलेटेड टू रियल एस्टेट, बट प्रोजेक्ट्स जो है इसमें यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ डिविएशन. मतलब प्रोजेक्ट आपका 15 दिन के भी प्रोजेक्ट डिलीवर होते हैं, से लेके आपके 5 साल, 10 साल के भी प्रोजेक्ट्स होते हैं. ओके, तो काफी बहुत कम इससे ज्यादा भी हो सकता है. ओके, राइट. तो ये जो है, जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर करते हैं ना, इस इन जगहों का एक नाम होता है नॉर्मली. वी कॉल देम एज इलेक्ट्रॉनिक हब. ओके, ठीक है, जहां सारे इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड काम होते हैं.
So what they actually deliver is all electronic related projects. Okay. So अब हम जैसे आप जानते हैं इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो जैसे इस प्रोजेक्ट में कभी कभी हो सकता है मे बी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आ जाए, तो यू नीड नॉट वरी, ये दोनों में सब सेम चीजें चलती है, ठीक है। बोथ आर एक्चुअली सेम, कुछ खास फर्क नहीं होता दोनों। चलिए ओके। सो अब हम बात कर रहे हैं अगर प्रोजेक्ट का, से प्रोजेक्ट में कैसा बनाया जाता है। सबसे पहले दिस इज फॉर फाइनाइट टर्म, लेट अस से 6 मंथ्स, ठीक है। 6 मंथ्स का प्रोजेक्ट मिला है आपको, ओके। ओवरऑल योर कंपनी, ठीक है, योर कंपनी हैज 100 एम्प्लॉइज, ठीक। इसमें ये अलग अलग टाइप के एम्प्लॉइज होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, ऑल कंपनीज हैव वेरियस डिपार्टमेंट्स, इसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे ना। एक प्रोजेक्ट जब आपको मिलता है, व्हेन यू हैव गॉट वन प्रोजेक्ट, ओके, सो व्हाट यू विल सी इज, एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए यू नीड वेरीड एम्प्लॉइज, करेक्ट। ये जो 100 एम्प्लॉइज है, ठीक है, इसमें से आपको अलग अलग स्किल के लोग चाहिए, ओके। यू नीड सम इलेक्ट्रॉनिक पीपल, सम हु हैज सम नॉलेज ऑफ से रियल एस्टेट, ठीक है, some cleaning type of employees, right? Some chemists you might need, ठीक है। इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग स्किल के लोगों से आप पिक करोगे। फॉर दिस प्रोजेक्ट से यू नीड 8 पीपल, 8 का हेडकाउंट चाहिए आप, ओके। दिस प्रोजेक्ट यू नीड 8 पीपल, तो ये 8 आप कहाँ से ड्रॉ करोगे, अपने कंपनी से ड्रॉ करोगे, राइट, ओके। सो इसीलिए फर्स्ट मेन चीज होता है इसमें दैट यू पिकअप एम्प्लॉयज, ठीक है। सबसे पहले आप अलग अलग डिपार्टमेंट से यू विल पिकअप एम्प्लॉयज, ओके, फ्रॉम द कॉमन पूल विच इज 100 एम्प्लॉयज हियर। यहाँ से हम जो जो स्किल सेट आपको चाहिए आप क्या करोगे, यहाँ से एम्प्लॉयज को निकालोगे आप, ठीक है। ये 8 8 जो है जैसे जैसे आपको चाहिए, द वे यू वॉन्ट, बेस्ड ऑन दैट यू विल पिकअप एम्प्लॉयज, ठीक है। तो ये एक बार हो गया आपका, ये चाहिए। अब नाउ सबसे पहले जो एक काम किया जाता है जिसको बोलते हैं हम नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। सो नेटवर्क डायग्राम में यू फॉर्म अ डायग्राम, ठीक है। इसके इसी के कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे आज, नेट व्हिच इज कॉल्ड एज नेटवर्क डायग्राम, ओके। तो नेटवर्क डायग्राम व्हाट यू डू इज, आपको मालूम उसके बनाने के कुछ तरीके होते हैं, ऑल ऑल दैट वी विल सी धीरे धीरे, ठीक है। ये आपका नोड्स बोलते हैं इसको, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। यू विल डू वेरियस एक्टिविटीज हम करेंगे, ठीक है, यहाँ पे। सो से दिस इज अ नोड, ठीक है, यानी दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। नोड नोड मतलब एन इंस्टेंट इन टाइम, ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डू दिस वर्क, ओके। ये यहाँ से यहाँ दिस वर्क, टू डू दिस वर्क आई नीड, लेट अस से मैं बोल रहा हूँ 10 डेज, ठीक है। ये 10 डेज का काम करना है हमको, ओके। व्हेन वी डू दिस आई यू विल रीच हियर, ठीक है, फाइन। और इसके बाद में देन यू विल से आई विल, आफ्टर दिस आई विल डू सम वन मोर एक्टिविटी हियर, ठीक है। सो दिस विल बी फॉर लेट अस से 40 डेज। जो नेटवर्क डायग्राम की खासियत होती है, जो लेंथ ऑफ एरोस जो है, इट विल नॉट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पीरियड, राइट। क्योंकि यहाँ पे 10 डेज ये मैंने बनाया है, ओके, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू यहाँ पे जो 40 डेज मैंने बनाया है, ठीक है। देयर इज नो डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ऐसा नहीं रहेगा कि ये 10 डेज मैं बोल रहा हूँ तो इसका 4 गुना 40 डेज होगा, दैट 40 डेज विल बी 4 टाइम्स 10 डेज, ऐसा नहीं होता इन नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। देयर इज वन मोर टूल विच इज कॉल्ड एज गैंट चार्ट, क्या बोलते हैं उसको, गैंट चार्ट, ठीक है। हेनरी गैंट करके
एक ने बनाया था गैंट चार्ट। तो इन गैंट चार्ट में जो हम स्केलिंग यूज करते हैं, वहां पे लेंथ का स्केलिंग इस प्रोपोर्शनल, यानी फॉर वन एक्टिविटी आई हैव गिवन लेंथ ऑफ वन, ठीक है। इफ देर इज अ मैग्नीट्यूड विच इज डबल दैट, उसका एग्जैक्टली इक्वली डबल आपको बनाना पड़ता है, गैंट चार्ट में होता है, नॉट इन नेटवर्क डायग्राम। ओके, तो ये बाद में देखेंगे हम गैंट चार्ट वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से पहले ये काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे, तो दिस इज 40 डेज। ओके, इस तरह से आप पूरा प्लान करेंगे सफर, ठीक है। और यहाँ पे यू माइट नो कि ओके, वेन दिस वर्क फॉर 10 डेज इज गोइंग ऑन, यू कैन डू सम अदर वर्क ऑल्सो विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस 10 डेज, ठीक है। इसलिए इसको आप पैरेलली कर सकते हैं। तो ऐसे एक्टिविटी के लिए यू नीड नीड नॉट एड अनदर 10 डेज। ये 10 डेज का काम जब हो रहा है, उसके साथ साथ ही ये भी कुछ और हो गया। थिंग्स दिस विल बी थिंग्स विच कैन बी डन पैरेलली। ओके, तो ऐसा भी होता है। तो इस तरह से आप ये पूरा क्या करेंगे, पूरा नक्शा बनाऊंगा मैं 6 मंथ्स का। आई विल प्रिपेयर डायग्राम फॉर 6 मंथ्स एंड आई विल एलोकेट रिसोर्सेज। ये 10 डेज में से लेट्स से 2 एम्प्लॉयज विल वर्क, ठीक है। देन इस 40 डेज में हाउ मेनी एम्प्लॉयज आई नीड, ओके, लाइक दैट सब एम्प्लॉयज को आई विल एलोकेट सच दैट इन द एंड मेरा पूरा डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा। लेट अस से इन द एंड आई विल नो दैट ये है फाइनल पॉइंट, आफ्टर 6 मंथ्स आई विल रीच हियर, ठीक है, एंड दिस इज वेयर आई विल एंड, ठीक है। ये मैंने बहुत ही रफ बनाया, ऐसा नहीं, ओके यार, ऑल एरोज विल एंड विद अ नोड, ओके, सारे एरोज जो है आपके एक नोड में ही एंड होंगे हमेशा। ये हो सकता है कि आफ्टर दिस ये भी, ये एक्टिविटी भी यहीं पे एंड होगा, वेयर दिस ग्रीन एक्टिविटी इज एंडिंग, ठीक है। इस तरह से कुछ ये होता है, मतलब बेस्ड ऑन हाउ द वर्क इज टू बी डन देन व्हेन वी विल डू सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। आपको और समझ में आएगा कि हाउ वी कैन कोरिलेट दीज नेटवर्क्स, ठीक है। इस तरह से आप एक ढांचा बनाते हो पहले, ठीक, एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल डू योर वर्क, ठीक है। हमारा जो प्रोजेक्ट का काम इज बेस्ड ऑन दिस नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज इन लाइन विद दिस डायग्राम, ठीक है। सो वी हैव स्टार्टेड विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टुडे, ओके। आई हैव जस्ट गिवन सम बेसिक इंट्रोडक्शन, दैट्स ऑल, ओके। सो आई टोल्ड यू अबाउट सिमिलैरिटी बिटवीन प्रोजेक्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड दैट बोथ ऑफ देम आर, दे बोथ हैव फाइनाइट लाइफ, लाइक 6 मंथ्स, 2 ईयर्स, ओके। इट इज नॉट कंटिन्यूअस एज वर्क फॉर अ कंपनी एंड यू आर डूइंग अ वर्क, दैट वर्क इज कंटिन्यूअस, करेक्ट। यू विल बी डूइंग दैट वर्क आफ्टर यू रिटायर, सम अदर एम्प्लॉय विल कम एंड डू इट, वर्क इज काइंड ऑफ कंटिन्यूअस, ओके। बट इन प्रोजेक्ट यू डिलीवर द प्रोजेक्ट, वंस द प्रोडक्ट प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, ओके, एंड यू डिलीवर इट, प्रोजेक्ट इज ओवर, ओके। सो दिस मेन थिंग अबाउट प्रोजेक्ट इज फाइनाइट लाइफ, सेम इज द केस विद कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो, ओनली डिफरेंस इज द एरियाज वेयर दे आर यूज, अदरवाइज इन मेनी केसेस एज आई हैव टोल्ड यू प्रोजेक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी यूज यू नो इंटरचेंजेबली, ठीक है। आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट, फाइन। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड ज्यादा जो रियल एस्टेट की तरफ में ज्यादा यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ में ज्यादा प्रोजेक्ट वर्ड यूज होता है, दैट्स ऑल, ओके। सो ये है, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू हियर। सो फॉर एग्जांपल वी हैव अ प्रोजेक्ट ऑफ 6 मंथ्स, ठीक है, एंड वी हैव अ कंपनी, आर कंपनी हैज 100 एम्प्लॉयज। नाउ फॉर दिस प्रोजेक्ट आई नीड 8 एम्प्लॉयज, ठीक है। For this project, I need 8 employees. So I will draw it from my company only, ठीक है, based on whatever skills I need, ठीक है। So अलग अलग डिपार्टमेंट से आप चूज करोगे, ठीक है, किस किस टाइप के एम्प्लॉयज चाहिए। यू यू नीड वन पर्सन हु विल राइट डाउन एवरीथिंग, ठीक है। सो यू विल हैव दैट यू विल दैट पर्सन इज कॉल्ड अ
प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर हेड्स अ प्रोजेक्ट, ठीक है. सो मोस्ट ऑफ यू माइट हैव वर्क इन अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिनेरियो, तो आपको ये सब वर्ड्स आपने सुने होंगे. व्हाट इज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है. प्रोजेक्ट मैनेजर इज अ पर्सन हु विल मेक श्योर दैट जो आपका जो प्रोजेक्ट है बेस्ड ऑन द नेटवर्क डायग्राम, ठीक है, वी आर इन लाइन और नॉट, ये प्रोजेक्ट मैनेजर विल टेक केयर ऑफ इट, ठीक है. तो इस तरह से काम होता है हमारा प्रोजेक्ट्स में, ठीक है. सो और एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या होता है ना आपका इन योर प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकली ये बहुत बोरिंग होते चले जाता है. सो इफ यू आस्क एनीवन हु इज वर्किंग इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, तो वो बोलेंगे बड़ा बड़ा बहुत बोरिंग काम है, क्योंकि जस्ट आपको देखते रहना है कि आज का काम हुआ क्या, कल ये काम कितना बचा है, कितना किया है, वही वही टू गो ऑन कंपेयरिंग थिंग्स, ओके. इसीलिए प्रैक्टिकली मेनी पीपल फाइंड इट बोरिंग, ठीक है. सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है ना, इसका टॉप क्वालिफिकेशन होता है, क्या होता है मालूम है आपको? इसका क्वालिफिकेशन, टॉप क्वालिफिकेशन, एक सर्टिफिकेशन होता है, उसका नाम है PMP, सुने होंगे क्या आपने? आई डोंट नो, ठीक है. सो जो PMP का मतलब है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, ठीक है, ये एक स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन है प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए. लाइक वी हैव गॉट CMA, CA, राइट, CS, सो दे हैव गॉट वन सर्टिफिकेशन कॉल्ड PMP. नॉर्मली 6 मंथ्स में कंप्लीट होता है PMP, ओके. सो उसमें जो है दे टीच इन डिटेल कौन कौन से टूल्स होते हैं, ठीक है. तो माइक्रोसॉफ्ट में भी आप यू कैन यूज MS ऑफ क्या नाम है, MS प्रोजेक्ट करके होता है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है. इसमें भी ये रिकॉर्ड रखने के लिए वगैरह इट इज गुड, ओके. देन देर आर सम अदर स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर ऑल्सो, वो सारी चीजों का ट्रेनिंग आपको मिलता है ये PMP कोर्स, ओके. चलिए देन, फाइन. सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, ओके. सो द प्रोजेक्ट टीम, सो फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम विद प्रोजेक्ट प्लानिंग, ठीक है. सो फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है पूरा, जैसे इफ इट्स अ 6 मंथ्स प्रोजेक्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर 6 मंथ्स, हाउ टू मैनेज द प्रोजेक्ट, ठीक है. सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट हुआ प्रोजेक्ट प्लानिंग, ओके. हाउ टू प्लान द प्रोजेक्ट, किस तरह से हम करेंगे, ओके. सो वन पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज प्रोजेक्ट प्लानिंग. सो प्रोजेक्ट टीम में बी ड्रॉन फ्रॉम सेवरल ऑर्गेनाइजेशनल डिपार्टमेंट्स, इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है. जैसे मैंने बोला हमारा जो पेरेंट स्ट्रक्चर रहेगा, ओके, विल पिकअप. नाउ यू माइट गेट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है, यू माइट गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स. हर प्रोजेक्ट के लिए यू माइट नीड डिफरेंट पर्सनल, जो लोग वो प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे वो अलग अलग स्किल के होंगे, राइट. सो बेस्ड ऑन हाउ व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट यू वांट टू डिलीवर, यू विल चूज व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट टीम यू विल फॉर्म, ठीक है, ओके. सो दैट इज वाई इट कैन बी फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग, इफ इट इज एन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट देन आप इंजीनियर्स ज़्यादा सेलेक्ट करोगे, ओके, लाइक दैट. एक अकाउंटेंट तो रहेगा ही रहेगा हिसाब किताब के लिए, एंड देन देयर विल बी वन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है. फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स दे माइट असाइन अ प्रोजेक्ट मैनेजर, और जो विचार लेसर कॉम्प्लेक्स दे माइट नॉट असाइन अ क्वालिफाइड प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके अंडर में कोई किसी को दे सकते, ओके. तो ये उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग, कैसे हम प्रोजेक्ट करेंगे, जो इनिशियल प्लानिंग है दैट इज प्रोजेक्ट प्लानिंग. जैसे मैंने बोला है इसमें व्हाट इज द मेन कोर्स विच इज PMP, ठीक है. सो PMP में इसके सारे डिटेल्स होते हैं, PMP स्टडी हमको जो है एक ओवरव्यू है, ठीक है. हमारा काम नहीं है, टू बी ऑनेस्ट दिस इज नॉट अवर वर्क टू डू. सो बिकॉज जैसे आपने देखा इसके दे हैव देयर ओन प्रोफेशनल्स, देयर इज नो वे व्हाई वी वुड बी आस्क्ड टू डू दैट, राइट. तो इसीलिए
बट वी नीड टू नो कि किस तरह से प्रोजेक्ट का प्लानिंग होता है, हाउ प्रोजेक्ट इज सेटअप, ठीक है. सो व्हेन से यू आर बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर और एनीवन एनीवन लाइक दैट, ठीक है, यू विल बी एबल टू नो कि प्रोजेक्ट मैनेजर क्या कर रहा है, वो भी आप समझ पाओगे. दैट्स व्हाई यू आर टॉट एवरीथिंग एल्स, ठीक है. ये आपका कोर वर्क नहीं है. ओके, सो देन प्रोजेक्ट डेफिनेशन इज फर्स्ट टू डिफाइन द प्रोजेक्ट, आइडेंटिफाई कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स, यानी क्या काम हमको करना है, व्हाट डज द क्लाइंट वांट यू टू डिलीवर. ओके, एंड उसमें देखेंगे, और ऑलवेज इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू फर्स्ट सी व्हाट इज कंट्रोलेबल, व्हाट इज नॉट कंट्रोलेबल. व्हाट एवर इज नॉट कंट्रोलेबल उसमें आप बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे, ठीक है, बिकॉज इफ यू नो इट देर इज अ डिले इन अनकंट्रोलेबल थिंग्स, देन आपका जो प्रोजेक्ट का टाइमलाइन ओवरशूट होगा. ओके, तो टाइमलाइन विल बी ओवरशॉट, सो दैट यू डोंट वांट टू हैपन, व्हिच इज व्हाई यू विल बी वेरी स्ट्रिक्ट विद अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स, ठीक है. बट कंट्रोलेबल वेरिएबल्स आर समथिंग वेयर यू कैन ऑलवेज मेकअप, ठीक है. सो जो कंट्रोलेबल इसमें काम कर रहे हैं, यू विल बी लिटिल लीनियंट विद लीव्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड अदर थिंग्स. ओके, एंड एस्टेब्लिशिंग प्रोजेक्ट बाउंड्रीज, ठीक है. प्रोजेक्ट बाउंड्रीज है ना, किस दायरे में हम प्रोजेक्ट करेंगे. तो ये एस्टेब्लिशिंग बाउंड्रीज का ही एक पार्ट है, आइडेंटिफाइंग कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स, ठीक है. सो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, सो ऑफ कोर्स देर आर मेनी पीपल वर्किंग इन द प्रोजेक्ट, यू विल हैव टू इवेल्युएट देयर वर्क, राइट. सो दैट इज कॉल्ड एज परफॉर्मेंस क्राइटेरिया. सो हाउ यू विल इवेल्युएट, इट विल बी इन टर्म्स ऑफ टाइम, सो डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है. कॉस्ट, सो कॉस्ट शुड नॉट बी मोर देन वॉट इज प्लान, राइट. एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ठीक है, ये सब है. तो आपको याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत, वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ ओ एम वेर वी टॉक्ड अबाउट रिसोर्स यूटिलाइजेशन वगैरह की हमने बात किए थे इन अ जनरल वे फॉर ऑपरेशन मैनेजमेंट. ओके, तो यहाँ पे भी जो है योर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया इज इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ टाइम, कॉस्ट एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन. ये तीनों पैरामीटर्स में हमको खरे उतरना होता है. ओके, यू हैव टू फुलफिल इट ऑन ऑल दीज थ्री थिंग्स. प्रोजेक्ट प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ओके, विच रिलेट्स टू द यूज ऑफ स्केड्यूल्स लाइक गैंट चार्ट्स एंड रिपोर्ट प्रोग्रेस, ठीक है. सो देर आर मेनी टूल्स, तो देखेंगे हम धीरे धीरे एक एक करके. ओके, विल सी ऑल द टूल्स, वन ऑफ देम इज गैंट चार्ट. सो व्हेन वी गो टू गैंट चार्ट, ओके, नॉट टूडे, टूडे इज नॉट द प्लान टू गो फॉर गैंट चार्ट, ठीक है. तो हमारे संडे को हम करेंगे, संडे को, हाँ शायद हम गैंट चार्ट करेंगे संडे. ओके, फाइन. सो प्रोजेक्ट यस सर, प्लानिंग के, सो प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है इसके इसमें हम बहुत सारी चीज़ें, टूल्स वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, राइट. मेरा मेनी सॉफ्टवेयर्स भी यूज, ठीक है, एमएस प्रोजेक्ट वगैरह भी यूज़ किया जाता है फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग. ओके, इनसाइड दैट यू यूज मेनी एस्टेब्लिश टूल्स, जैसे कुछ कुछ लोगों ने कुछ टूल्स बनाया है, सॉफ्टवेयर उसको एड करता है. वन ऑफ देम इज गैंट चार्ट. फिर हम ये भी हमने ये किए थे, नेटवर्क डायग्राम, करेक्ट, हाउ टू प्रिपेयर नेटवर्क डायग्राम, वो भी हम देखेंगे इसमें. ओके, तो नेक्स्ट संडे को जो है वी विल स्टार्ट एट 11:30. ओके, संडे 11:30 AM. ओके, एंड वी माइट एंड एट 2:30 के आसपास हम खत्म करेंगे, ठीक है. आपको आई विल गिव यू अ लंच ब्रेक इन बिटवीन, एक लंच ब्रेक हम करेंगे. ओके, अबाउट 20 मिनट्स, ठीक है. दिस इज योर प्लान फॉर संडे, ठीक है, राइट. नो प्रॉब्लम, नो एनीवन. नो सर, नो सर, चलिए. सो यार, ओके, चलिए अभी आगे चलेंगे. देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रेफर्स टू
organizing and managing resources in such a way that the project is completed within defined quality time cost constraints. So upar jo humne dekhe jo cheeze constraints jo hai, okay, scope yani we know what is to be done and what is not to be done, okay, in this project. So come, do as per the scope, deliver as per quality, deliver at the right time and cost constraints, okay. हमको ज्यादा महंगा भी नहीं, जितना हमको फायदा हो रहा है प्रोजेक्ट से वी वांट टू स्पेंड अकॉर्डिंगली ओनली, ठीक है, राइट. सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मेनली यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर पीपल, पीपल का ज्यादा रोल होता है, ओके. देयर इज ऑलवेज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम, ओके, और ठीक है, इस और उन लोगों को आप किस तरीके से यूज करते हो, दैट इज द मेन चैलेंज इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. वो तो एक्चुअली ये है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिचुएशन में, ठीक है, आपके अगर जैसे यू हैव टोटल 100 रिसोर्सेस, ओके, सो नाउ यू हैव गॉट मेनी प्रोजेक्ट्स रनिंग एक टाइम पे, ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं हमारे एक टाइम, मेनी, ओके, सो दैट्स व्हाई यू नीड दैट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल. तो आप जब वो टूल देखेंगे, दैट टूल विल शो यू समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये जैसे फर्स्ट प्रोजेक्ट है, एक लाइन आपको ऑटोमेटिकली इट विल ड्रॉ, एक यहाँ पे थोड़ा सा गैप बता रहा है, फिर ये ठीक है, एंड देन इन द सेकेंड वन, ठीक है, आपका ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सपोज, ठीक है, और फिर ये इसके बीच में समथिंग लाइक दैट जो टूल, ये तो मैं दूर दूर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं रहेगा, इट विल शो इन अ वेरी नाइस वे, क्योंकि स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर होते हैं, तो एक एक दो दो दिन का किसी रिसोर्स का 4 घंटे का भी टाइम अवेलेबल है, वो भी बताता है आपको, ठीक है, यहाँ पे एक 4 घंटे का टाइम है जहाँ 5 रिसोर्स अवेलेबल, अब नया प्रोजेक्ट आया तो इनको आप डाल सकते हैं, अच्छा बाकी ये लोग बिजी है इनको नहीं डाल सकते, यहाँ पे कौन कौन अवेलेबल है, इस तरह से ये 100 में से. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता कि आपने 8 घंटे के लिए काम में लगा दिया हमको, ओके, इट्स नॉट दैट यू हैव गिवन देम वर्क फॉर 8 आवर्स, इट्स नॉट लाइक दैट. सो देयर रिक्वायरमेंट फॉर पर्टिकुलर पर्टिकुलर डे कैन बी 2 आवर्स, कैन बी 4 आवर्स. सो इन द एंड सब इतना ये हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है सब, ठीक है, यू नीड अ वेरी गुड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो आपको बता सके कि हाँ यहाँ पे है ये, आज के दिन इफ यू जस्ट एंटर दैट पर्टिकुलर डे हु आर द एम्प्लॉयज हु आर फ्री टू डे, सबका नाम दे देगा आपको, ओके, विल टेल ओके दिस 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 पर्सन इज फ्री, और आपको किस तरह के क्वालिटीज चाहिए, मतलब वट शुड बी द कैपेबिलिटीज ऑफ द रिसोर्सेज, तो वो भी आप एंटर करोगे और करेंगे, हिट करेंगे, इट विल टेल यू इस स्किल वाले कितने एम्प्लॉयज अभी फ्री है, दैट ऑल्सो इट विल टेल, ठीक है. सो दिस इज हाउ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम होता है, राइट. सो इट्स अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड विद इन ऑल कॉस्ट कॉन्स्टेंट्स, ठीक है. चलिए, प्रोजेक्ट इज टेम्पररी एंड वन टाइम एंडेवर, ठीक है, प्रोजेक्ट टेम्पररी होता है एंड इट्स अ वन टाइम एंडेवर, ओके. एंडेवर का क्या मतलब है, एंडेवर मतलब हम जब कोई काम करने का ठानते हैं उसको बोलते हैं एंडेवर, माई एंडेवर इज टू डू दिस बोलते हैं, ठीक है, व्हेन यू रिजॉल्व टू डू समथिंग दैट इज कॉल्ड एन एंडेवर, ठीक है. सो प्रोजेक्ट इज नथिंग कैन बट अ कॉल इट रिजॉल्व, एफर्ट, यस प्रियंका, सर कैन वी कॉल इट एफर्ट, यू कांट कॉल इट एफर्ट, या लूजली यू कैन कॉल इट एफर्ट ऑल्सो, ठीक है, इट इज लाइक यू नो अ वन टाइम एक्सपेक्टेशन ऑन यू, जैसे मैं आप जैसे ये बोल सकते हैं माई एंडेवर इज टू कंप्लीट सी एम ए बोल सकते हो, ठीक है, मतलब मेरा जो रिजॉल्व है वो है सी एम ए कंप्लीट करने का,
सिमिलरली अ प्रोजेक्ट भी एक रिजॉल्व है, करेक्ट, ये कंप्लीट करना है हमको, ये अभी जो हम बात कर रहे थे दैट वाज योर पर्सनल रिजॉल्व, ये है दिस इज योर प्रोफेशनल रिजॉल्व, करेक्ट, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, यू डोंट नीड इट फॉर योर एनी एक्टिविटी ऑफ योर होम, लेकिन ये आपके ऑफिस के लिए आपको चाहिए. इट्स अ टेम्पररी एंड वन टाइम एंडेवर अंडरटेकन टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है, इससे एक यूनिक प्रोडक्ट आप डिलीवर करते हो, ओके, क्लाइंट के लिए यू डिलीवर अ यूनिक प्रोडक्ट, जैसे आप डिलीवर कर देते हो ये प्रोजेक्ट डिजोल्व हो जाएगा, इट विल बी ओवर. नाउ दिस सेम प्रोजेक्ट टीम इट विल डू सम अदर वर्क, ओके, सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग टेम्पररी एंड वन टाइम कॉन्ट्रास्ट विथ प्रोसेसेस एंड ऑपरेशंस विच आर परमानेंट सेमाई परमानेंट वर्क, ठीक है, टू क्रिएट द सेम प्रोडक्ट ओवर एंड ओवर अगेन. फैक्ट्री का एम्प्लॉय जो है ही विल गो ऑन डूइंग द सेम प्रोडक्शन, करेक्ट, अगेन एंड अगेन, आफ्टर द प्रोडक्शन इज डिलीवर्ड टू वन क्लाइंट इज द वर्क ऑफ फैक्ट्री एम्प्लॉय कंप्लीटेड, नो, ठीक है, सो इट इज अ परमानेंट वर्क, फैक्ट्री एम्प्लॉय वर्क इज परमानेंट वर्क, वेर एज प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट में, ठीक है, एक प्रोजेक्ट को आप डिलीवर कर दोगे तो वो खत्म हो जाए, ओके, दैट्स कॉल्ड एज प्रोजेक्ट, सो टेम्पररी एंड वन टाइम, ओके, विच कॉन्ट्रास्ट विथ प्रोसेस एंड ऑपरेशन, ठीक है, दिस द मैनेजमेंट ऑफ दीज टू आर वेरी डिफरेंट, इसीलिए दोनों को मैनेज करना इज वेरी डिफरेंट, इसके लिए इसका स्पेशलाइजेशन बनाया गया है, ओके, फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, चलिए, फर्स्ट चैलेंज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिलीवर प्रोजेक्ट विद इन डिफाइंड कॉन्स्ट्रेंट्स, फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू डिलीवर द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, ठीक है, सेकेंड ऑप्टिमाइज्ड अलोकेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट्स टू मीट प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, ऑप्टिमाइज्ड अलोकेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट्स, यानी जैसे मैंने बोला यू गॉट मेनी इनपुट्स, ठीक है, यू गॉट 100 एम्प्लॉइज, राइट, एंड ऑल आर डूइंग सम वर्क और द अदर, ठीक है, फॉर इफ अ न्यू प्रोजेक्ट कम्स यू हैव टू अलोकेट इट इन अलोकेट द एम्प्लॉइज इन सम प्रॉपर वे, सो इसीलिए आपको ऑप्टिमाइज्ड अलोकेशन करना पड़ता है, ये एक मेजर चैलेंज होता है आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ओके, प्रोजेक्ट क्या है ये हम देख रहे हैं, डिफाइंड सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट यूज रिसोर्सेस, डिफाइंड सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट यूज रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मतलब मेन होते हैं पीपल, ओके, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेटअप में, ओके, बाकी सारी चीजें जो है वो जैसे मनी है, सो पैसे उतने उतने लगा दिए जाते हैं प्रोसेस प्रोजेक्ट के लिए, हमको मालूम है इतने पैसे लगाना है, डे टू डे इसमें योर चैलेंजेस विद पीपल, ओके, सो ओवरऑल रिसोर्सेस यानी क्या बोलेंगे हम, मनी पीपल मटेरियल्स एनर्जी स्पेस, ठीक है, प्रोविजंस कम्युनिकेशंस एक्सेट्रा, ठीक है, इसमें से कोई भी चीज हो सकता है आपके रिसोर्सेस, दिस आर द रिसोर्सेस विच यू नीड फॉर डिलीवरिंग द प्रोजेक्ट, ठीक है, ये है आपका प्रोजेक्ट, ओके, तो चलिए फर्स्ट प्रोजेक्ट स्कोप आप डिफाइन करोगे, ओके, देन यू विल सी किस मेथड को यूज करके हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, ओके, फर्स्ट सी व्हाट इज द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, करना क्या है हम, राइट, देन द ड्यूरेशंस फॉर वेरियस टास्क आर लिस्टेड एंड ग्रुप्ड इनटू अ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ठीक है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है कि ये भी इसके जैसे ही है, ठीक है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में ये बस आपको बताएगा कि क्या क्या रिसोर्सेज है, क्या क्या चाहिए, ओके, इस तरह से इट विल डू अ ब्रेकडाउन कि क्या जो हमको काम डिलीवर करना है उसके लिए व्हाट आर द रिक्वायर्ड थिंग्स एंड डू वी हैव इट, इसको बोलते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ठीक है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ना जितना जो हम सीखने वाले हैं उसमें एज सच वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इस वर्ड का ज्यादा यूज नहीं आएगा, ठीक है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज्यादा आएगा, नेटवर्क डायग्राम मोर देन वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ठीक है, ये भी उससे रिलेटेड ही है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ठीक है, नेटवर्क डायग्राम में हम यही देखते हैं कि
कहाँ से हम चालू करेंगे और किस तरह से हम खत्म करेंगे। चलिए, सो देन लॉजिकल डिपेंडेंसीज बिटवीन टास्क आर डिफाइंड इन नेटवर्क डायग्राम, ठीक है, टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ। ठीक है, क्रिटिकल पाथ वर्ड जो है, जैसे मैं ये आज जो हम देख रहे हैं एक इंट्रोडक्टरी टाइप है, ठीक है, एज ए नाउ वी गो टू द प्रॉब्लम से नाउ, ये सारी चीजें आप प्रैक्टिकली आप देखोगे, सो देन इट विल बिकम, आपका जो ग्रिप है बढ़ते जाएगा। ठीक है, अभी लगेगा आपको कुछ कुछ वर्ड्स क्या है, बट आपको जस्ट एक स्टार्टिंग में मैं कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ ये वर्ड्स का, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो माइंड में वो रहेगा, राइट। देन व्हेन वी गो फॉर डिटेल्ड ये प्रॉब्लम्स वगैरह हम देखेंगे, ये सारी चीजें विल मेक मोर सेंस फॉर यू। ओके, तो एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम और नेटवर्क डायग्राम जो है एक ही चीज है। ओके, इसको बोलते हैं हम नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, इससे भी आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ। व्हाट इज क्रिटिकल पाथ? हर प्रोजेक्ट में जो है, ठीक है, तो हर प्रोजेक्ट में क्या होता है, हर ये है स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, इसको बोलते हैं हम, ये है नोड्स, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, नोड्स। ओके, और इसको हम नंबर से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर में वी विल राइट 1, दैट मीन्स इट इज द फर्स्ट एक्टिविटी। ओके, फर्स्ट नोड। अब नोड के बाहर में जो बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज एन एक्टिविटी। ओके, उसको हम एरो से डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी को नॉर्मली यू डिपिक्ट विथ एन अल्फाबेट, जैसे इसको हम ए ए नाम दिया सपोज इसको, ठीक है, नॉर्मली इसको अल्फाबेट करते हैं, इसको 1 1 2 नंबर से करते हैं। ओके, ठीक है, Whereas in some notations, it is other way around. ऐसा भी होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो ये आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना है, दुनिया भर में कोई कैसे भी बना सकता है, जैसे है ना ट्रैफिक है, हम लोग लेफ्ट में चलते हैं, यूएस में वो लोग राइट में चलते हैं, करेक्ट। तो इस तरह से कन्वेंशंस डू डिफर, तो ये है नॉर्मली विच इज फॉलोड, हमारे यहाँ जो फॉलो होता है इट इज दिस कन्वेंशन, कि नंबर आपका नोड होता है एंड योर अल्फाबेट इज योर एक्टिविटी। तो जो ग्रीन मैंने बनाया है इसको बोलते हैं हम क्या, एक्टिविटी। ठीक है, सो एक्टिविटी का आपको और पता चलेगा। ठीक है, और ये जो एक्टिविटी है इट शुड स्टार्ट एंड एंड इन अ नोड। ठीक है, ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी, इट शुड नॉट बी सस्पेंडेड ऐसे। ठीक है, इट शुड ऑलवेज स्टार्ट एंड एंड इन अ नोड। ठीक है, तो अगर मैं इसको इफ आई कॉल इट एज 1, ठीक है, ये अगर मैं 1 बोल रहा हूँ तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, दिस विल बी 2, इस तरह से बनाया जाता है नेटवर्क डायग्राम। ओके, सो हाँ, मैं आपको क्या बोलने के लिए आ रहा था, व्हाट इज द क्रिटिकल पाथ। ओके, सो ऐसे पाथ जो है इसका पाथ काफी बड़ा होता है। ठीक है, 1 मिनट, इजीली एक काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यू कैन सी दिस इज अ स्टार्ट इवेंट, दिस इज कॉल्ड एज फिनिश इवेंट। ठीक है, इसको बोलेंगे स्टार्ट इवेंट, इसको बोलेंगे फिनिश इवेंट, और ये क्या है हमारा बीच में जो एरो है, दैट्स योर एक्टिविटी, दिस इज योर एक्टिविटी। ठीक है, तो सारे इवेंट का एक नंबर होता है, यू हैव टू नंबर ऑल इवेंट्स। ठीक है, चलिए, तो और एक है जो स्टार्ट इवेंट है ना,
इसको बोला जाता है टेल इवेंट, एक और नाम है इसका, वन मोर नेम इज देयर, स्टार्ट इवेंट इज कॉल्ड एज टेल इवेंट, ओके, टेल इवेंट, एंड फिनिश इवेंट इज नोन एज हेड इवेंट, ठीक है। ये एक चीज है जो आप भूलोगे, यू कैन फॉरगेट दिस, रीजन बीइंग हमको नॉर्मली वी विल थिंक दैट दिस शुड बी हेड एंड दिस शुड बी टेल, करेक्ट, तो ये ऐसा हमको लगता है, राइट। सो इसीलिए जस्ट टू रिमेंबर इट, इजी वे ऑफ रिमेंबरिंग इज, आप कैसे देखना है ना, हम कैसे लिखते हैं, हाउ डू वी राइट, लेफ्ट टू राइट वी राइट, ठीक है। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपको जाना है, ओके, जस्ट थिंक ऑफ एन एनिमल, एक डॉग, ठीक है, कुत्ते के, कुत्ता है सोचिए, ठीक है। सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यू यू राइट, ठीक है, कुत्ता जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, और यहाँ पे रुक गया है। सो दिस, इसका टेल रहेगा यहाँ पे, करेक्ट, एंड हेड रहेगा यहाँ पे, ठीक है। सो इसीलिए आपका हेड जो है विल ऑलवेज बी हियर, दिस साइड हेड इवेंट ये रहेगा, टेल हमेशा इधर रहेगा। स्टार्ट और फिनिश एज यूजुअल, जैसे लेफ्ट टू राइट आप जाते हो, स्टार्ट करेंगे फिर ही तो फिनिश करेंगे ना, उस हिसाब से आप यू कैन जस्ट रिमेम्बर इट, समटाइम्स यू कैन फॉरगेट इट, दैट्स व्हाई आई जस्ट गिव यू दिस एनालॉजी, ओके, ठीक है। सो इसमें आएंगे वापस, तो मैं आपको ये एक चीज और बताना चाहता था, चलिए, ये एक नेटवर्क डायग्राम है, ओके, हियर यू कैन सी, देखिए यहाँ पे आपको वन लिखा हुआ दिख रहा है ये, सो दिस इज हाउ नोड्स विल बी नंबर्ड, हियर देर आर टू एक्टिविटीज कमिंग आउट ऑफ दीज नोड्स, वन टू, ठीक है, एंड एट द एंड यू हैव टू, इट विल एंड विद अ नोड अगेन, सो दिस इज टू, दिस इज थ्री, आप इसको टू बोलिए, इसको थ्री बोलिए, नो प्रॉब्लम, ओके, ठीक है। तो ये इस तरह होता है, और देन नेक्स्ट इज यहाँ पे एक और पाथ है, ओके, एक डॉटेड लाइन है, क्या है, मैं आई विल कम बैक टू इट लेटर, ठीक है, अभी बात नहीं करेंगे इसका, एंड ये दिस कम्स फ्रॉम ईयर टू ईयर, ठीक है। सो क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ की मैं बात कर रहा था, क्या है, ठीक है, सो देयर विल बी सेवरल पाथ्स, सी वन इज योर स्टार्टिंग पॉइंट एंड फोर इज योर एंडिंग पॉइंट, ये तो मानते हो सब, राइट, that one is starting and four is ending. To go from one to four, you will have different paths. यहाँ पे आपके पास दो paths, right? हमारे पास दो path. एक तो मैं B के through जाऊँगा from year to year and year to year. And another one more will be I'll go from this path like this. Right? दो तरह से मैं जा सकता हूँ. ठीक है. So critical path is the longest path. ठीक है. इसमें से जो भी लॉन्गेस्ट पाथ होगा दैट विल बी कॉल्ड एज क्रिटिकल पाथ, ओके, क्रिटिकल पाथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि यू कैन नॉट डिले अ क्रिटिकल पाथ, क्योंकि ऑलरेडी इट इज वेरी लॉन्ग, क्रिटिकल पाथ डिले होगा तो प्रोजेक्ट विल गेट डिले, ठीक है, अगर क्रिटिक, तो मेन फंडा ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही ये है, क्रिटिकल पाथ को आप बढ़ने मत दीजिए, उसके अंदर अंदर जो भी बढ़ता है बढ़ाइए, नो प्रॉब्लम, ठीक है, बट लेट क्रिटिकल पार्ट लेंथ रिमेन द सेम, दैट इज द मेन फंडा ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ओके, ठीक है। तो हियर यहाँ पे हमने क्या देखे, द लॉजिकल डिपेंडेंसीज बिटवीन टास्क आर डिफाइंड यूजिंग एन एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम टू आइडेंटिफाई क्रिटिकल पाथ, फ्लोट और स्लैक टाइम कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये एक और टर्म है, इसको बोलते हैं फ्लोट और स्लैक टाइम, ठीक है, दोनों सेम है, ठीक है, अलग अलग इसमें हम यूज करते हैं दोनों को, ठीक है। सो उस वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है, फॉर नाउ आपको ये है मानना है आपको कि फ्लोट एंड स्लैक ये दोनों कनोट मोर और लेस द सेम मीनिंग फॉर यू, ओके। तो अब ये क्या होता है ना, फ्लोट क्या बोलता है, इफ आई टेक यू बैक,
ठीक है। ना ये है यहां से लेकर, सपोज दिस इज द क्रिटिकल पाथ, ये है लॉन्गेस्ट पाथ मान लीजिए रेड में जो दिखा रहा हूं। ओके सो नाउ व्हेन आई एंड दिस एक्टिविटी सी, ये जो है एक्टिविटी सी जो है हमारा ये, ठीक है, इसके आई हैव गॉट टू टाइम्स, ठीक है। एक है मान लीजिए 10 मिनट्स अर्ली, और मैं बोलूं 1 आवर अर्ली और 1 आवर लेट, ठीक है, राइट। कभी भी कोई भी काम है, ठीक है, आपको सपोज यू हैव टू डिलीवर अ सर्टेन वर्क, ओके, आपको किसी, ठीक है, लेट्स से यू आर अ ट्रांसपोर्टर, कोई आप ट्रक चलाते हैं या ऑटो चलाते हैं, ठीक है। सो दे सेड दैट आप यहाँ तक पहुँचा दीजिए, तो आप बोलिए कि कितने बजे, तो वो बोला कि 4 बजे तक पहुँचा देंगे। तो आपने पूछा कि पक्का 4 o'clock को पहुँचा नहीं है क्या, कि थोड़ा बहुत कुछ चलता है क्या। दे सेड सी दैट द गार्ड स्लीप्स इनसाइड, सो व्हेन द गार्ड गेट्स अप एंड ओपन्स द डोर, तब आपको माल डिलीवर करना है। इफ यू ओपन्स बाय 5 देन इट्स ओके, आप 5 बजे डिलीवर कर सकते हो। सो इन दिस केस यू हैव गॉट अ लीवे ऑफ 1 आवर मोर, राइट। आपके पास दो टाइम है, थोड़ा लेट करे तो चलता है, बट विद इन दैट फ्लोट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्लोट। प्रोजेक्ट्स में कई बार ये चीजें कॉमन होती है, दैट यू हैव टाइम विथ यू दैट यू कैन डिलीवर अ सर्टेन थिंग से 20 मिनट्स बिफोर और 20 मिनट्स लेटर, क्योंकि कई एक्टिविटीज का यू हैव स्टार्ट कब करना वो ऑप्शन आपके हाथ में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज होते हैं जो हम देखेंगे धीरे धीरे, ओके। एक होता है अर्लीस्ट, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, EST बोलते हैं, EST इज व्हाट, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ठीक। तो आप अभी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप चाय वाय पी के आराम से आप आफ्टर हाफ एन आवर भी स्टार्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, बट यू हैव स्टार्टेड नाउ इटसेल्फ, कि यानी चलो अभी इसे चालू कर देते हो, फिर कोई प्रॉब्लम हो तो देर आई कैन कवर दैट अप, ये सोच के यू हैव स्टार्टेड। सो यू ऑलवेज विल हैव एन अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड यू विल हैव अ लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, ठीक है। ये दोनों चीजें का ऑप्शन नॉर्मल सिचुएशन में होता है आपका, ठीक है। तो ये दोनों के डिफरेंस के कारण क्या होता है, यू गेट दैट ऑप्शन। अगर यू हैव स्टार्टेड अर्ली यू विल ऑलवेज हैव दैट हाफ एन आवर मोर विद यू। हाफ एन आवर आई एम यूजिंग एज एन एग्जाम्पल, ओके, इट कैन बी 15 मिनट्स 10 मिनट्स, ओके। तो इस तरह से तो ये जो लीवे आपको मिल रहा है, इतना टाइम का जो बैलेंस आपके हाथ में है, दैट इज नथिंग बट फ्लोट, ठीक है। आगे जब हम देखेंगे आपको और समझ में आएगा, बट आई एम जस्ट सबको एक एक करके टर्म्स समझाते हुए मैं आ रहा हूँ, ठीक है। चलिए सो ओके, देन द नेसेसरी रिसोर्सेस कैन बी एस्टिमेटेड एंड कॉस्ट फॉर ईच एक्टिविटी कैन बी अलोकेटेड टू ईच रिसोर्स, ठीक है। बाद में कॉस्ट वॉस्ट हम एस्टिमेट कर लेंगे, और जो है लोगों का कॉस्ट कैसे निकालते हैं, बेस्ड ऑन हाउ मच वर्क ईच रिसोर्स हैज परफॉर्म फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स। एक रिसोर्स एक ही प्रोजेक्ट में काम नहीं करता कभी भी, ओके। तो ये सब, तो यहाँ पे इन दी एंड बाद में कॉस्ट निकाल लेंगे, वही बोल रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। देन वंस एस्टेब्लिश्ड एंड एग्रीड प्लान बिकम्स बेसलाइन। सो वंस जो आपका यू हैव स्टार्टेड विद नेटवर्क डायग्राम, ठीक है, सो एंड दैट इज एग्रीड, ओके, इस इतना इतना करना है, ओके, कितना डिलीवरी है, जैसे हमने बात कर ली है सबसे, ये दे सेड ओके दिस मच इज ओके, ऐसा वैसा करके हमने बात कर ली है पूरा। नाउ अवर योर नेटवर्क डायग्राम इज द अप्रूव्ड डायग्राम, ठीक है। सो यू हैव टू, यू नो दैट यू हैव टू फुलफिल दिस, नाउ ये सामने है हमारे, सो वो बन जाता है बेस लाइन। बेस लाइन यानी अप्रूव्ड नेटवर्क डायग्राम,
ठीक है, ये वो आपका बेस लाइन है, ये प्लान को आपको अभी डिविएट नहीं करना है। ओके, प्रोग्रेस विल बी मेजर्ड अगेंस्ट द बेस लाइन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये जो करते हैं, व्हेन यू कंपेयर व्हाट वेयर यू हैव रीच्ड, क्या क्या अकम्प्लिश कर लिए हैं, एंड कंपेयर टू व्हाट इज स्टेटेड इन द नेटवर्क डायग्राम, ये कंपैरिजन को बोलते हैं अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट, ठीक है। सो दैट इज 6 मंथ्स का मेरा, 6 मंथ्स इज माई डिलीवरी टाइम, ठीक है। सो आफ्टर 2 मंथ्स, ठीक है, मैंने देखा कि क्या बोल रहा है मेरा नेटवर्क डायग्राम। ओके, गो टू नेटवर्क डायग्राम। एज पर नेटवर्क डायग्राम, हाउ मच वर्क शुड आई हैव कंप्लीटेड आफ्टर 2 मंथ्स, और एक्चुअल्स कितने हैं मेरे, ठीक है, एक्चुअल्स कितना मैंने कंप्लीट किया है, ठीक है। ये कंपैरिजन जब टाइम एंड अगेन आप करोगे ना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट। ये सब आपका, ये इस चैप्टर के काफी क्वेश्चंस आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में टर्म्स बहुत है और बहुत से स्टूडेंट्स को टर्म्स मालूम नहीं रहते। ओके, चलिए, तो गैंट चार्ट जो है इसको डिस्कस करेंगे बाद में। चलिए, ठीक है, ये है गैंट चार्ट का एक पार्ट मैंने बस छोड़ दिया है। ओके, गैंट चार्ट विल डू लेटर ऑन, फाइन। ठीक है, अब देख रहे हैं हम नेटवर्क एनालिसिस, ठीक है। आपको जो नेटवर्क डायग्राम इज अ पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क एनालिसिस ओनली, ठीक है। इन द एंड आप देखोगे ना, देखिए अलग अलग टाइप के वर्ड्स वगैरह आपको मिलेंगे इसमें, यू विल फाइंड डिफरेंट वर्ड्स, बट देन व्हेन यू गो टू द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स करके जब हम वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क डायग्राम्स एंड ऑल, व्हेन वंस वी मेक, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये सब चीजें मोर और लेस दे ऑल मीन द सेम कर। ओके, सो नेटवर्क एनालिसिस, सबसे पहले रूटिंग करना पड़ता है। रूटिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन प्रोडक्शन प्लानिंग, ठीक है। स्मॉल प्रोजेक्ट्स में इट इज वेरी इजी, ठीक है। सीक्वेंस बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स, बट फॉर लार्जर प्रोडक्ट प्रोजेक्ट्स जो है रूटिंग काफी टफ होती है, ठीक है। तो काफी ओवरलैपिंग पाथ्स मिलेंगे आपको। ओके, एंड जो है नेटवर्क डायग्राम के कुछ उसूल होते हैं बनाने के, दो लाइन एक में एक को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ओके, सो इस तरह से, तो प्रोडक्ट जहाँ, इफ यू हैव गॉट, इफ द प्रोजेक्ट मैनेजर इज एबल टू फाइंड आउट 15 पाथ्स, सो ही हैज टू चूज द बेस्ट पाथ आउट ऑफ दैट, राइट। वो काम उसको करना पड़ता है, राइट। सो इन बिग प्रोजेक्ट्स मैनी एक्टिविटीज आर परफॉर्म साइमल्टेनियसली, ये भी एक खासियत है, मैनी थिंग्स यू कैन डू साइमल्टेनियसली। सो इफ देर इज समथिंग विच यू कैन डू साइमल्टेनियसली एंड यू आर नाउ गिविंग इट अ सेपरेट टाइम, तो उतना टाइम आपने वेस्ट कर दिए, करेक्ट। अब साइमल्टेनियसली किसी एक्टिविटी के साथ साथ ही हो गया होता होगा, ठीक है, उसके लिए आप सेपरेट टाइम डाल रहे हो, सो यू आर डिलेइंग द प्रोजेक्ट। ओके, सम एक्टिविटीज कैन बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली एंड नॉर्मली अदर एक्टिविटीज विल बी स्टार्टेड आफ्टर कंप्लीशन ऑन ऑफ वन एक्टिविटी, ठीक है। इसलिए आपको डिटेल्ड स्टडी करना पड़ता है। ओके, सो नाउ फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ सूटेबल डायग्राम शोइंग वेरियस एक्टिविटीज एंड देयर पोजिशंस, इसको बोलते हैं नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। इट विल, इट टेल्स यू टाइम टेकन फॉर ईच एक्टिविटी, ठीक है। चलिए, इट टेल्स यू टाइम टेकन फॉर ईच एक्टिविटी। इट ऑल्सो डिफाइन्स द वे इन विच डिले इन एन एक्टिविटी कैन अफेक्ट द एंटायर प्रोजेक्ट, ये बात बताता है कि किस चीज में आप डिले करोगे। क्रिटिकल पाथ हमने देखे थे, राइट। इफ यू डिले द क्रिटिकल पाथ, होल प्रोजेक्ट विल गेट अफेक्टेड, ठीक है। ऐसे डायग्राम को वी कॉल इट एज नेटवर्क डायग्राम। इट्स अ पिक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट ट्रेसिंग द वर्क फ्रॉम डिपार्चर पॉइंट्स टू द
फाइनल कंप्लीशन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, स्टार्ट टू फिनिश प्रोजेक्ट कैसा कैसा जाएगा, दैट इज टोल्ड बाय नेटवर्क डायग्राम, ठीक है। चलिए, सो देन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन नेटवर्क एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव इज टू फिनिश विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, अदरवाइज देर इज अ पेनल्टी, ठीक है। सो इसमें आपको कभी भी यू हैव टू जो भी प्रोजेक्ट्स आर डिलीवर्ड, इफ देर इज अ डिले देर इज ऑलवेज अ पेनल्टी क्लॉज, ठीक है। सो टू फिनिश विद इन स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है, और देर इज एन ऑर्डर ऑफ कंप्लीशन, ओके। ऑर्डर में कुछ साइमल्टेनियसली यू कैन डू, सम यू विल डू आफ्टर फिनिशिंग एन एक्टिविटी, बट देर इज ऑलवेज एन ऑर्डर फॉर अ प्रोजेक्ट, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होता कि आप कभी भी ये पहले कर लो वो पहले कर लो, ऐसा नहीं होता, ओके। देर इज सम ऑर्डर ऑलवेज, ओके। देन कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज प्रपोर्शनल टू इट्स टाइम ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। इसमें एक रूल है दैट हायर द टाइम ऑफ कंप्लीशन मोर इज द कॉस्ट, ठीक है। चलिए, देर कैन बी हर्डल्स इन द प्रोसेस एंड रिसोर्सेज में बी लिमिटेड, ठीक है। अ नेटवर्क ग्राफ, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ पॉइंट्स और नोड्स कनेक्टेड टू वन और मोर ऑफ अदर नोड्स, इज कनेक्टेड थ्रू रूट्स और एजेस, ठीक है, ओके। तो जो आपका ये है, जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी का जो एरो हमने देखे थे ना, एरोस जो, उसका ही और एक नाम है आपका रूट्स और एजेस, ठीक है। ये रूट्स और एजेस कुछ नहीं, आपके एक्टिविटी का एक और नाम, ठीक है। और जो नोड्स थे 0 0 जो सर्कल जो बन रहे थे हमारे, दोज वर नोड्स, ठीक है, इसको पॉइंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। और रूट्स और एजेस क्या है, एक्टिविटीज, तो कैसे दिखाते थे हम रूट्स और एजेस को, ऐसे, करेक्ट, फाइन। इट्स अ सेट ऑफ ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज डिस्क्राइबिंग द टाइम ओरिएंटेशन ऑफ अ कंपोजिट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो टाइम ओरिएंटेशन बताता है यानी हाउ, किस तरीके से काम पूरा होगा और कैसे होगा वो बताएगा ये, ठीक है। बस ये है आपके, ये आप अपने मन से भी आप लिख सकते हो, नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड नेटवर्क डायग्राम देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेटवर्क एनालिसिस आराम से आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, अब देखेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क ड्राइंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क ड्राइंग। चलिए देखते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट। पहला है आपका एक्टिविटी, ये तो हम वी हैव ऑलरेडी सीन एक्टिविटीज, ठीक है। वंस ऑल एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड प्रोजेक्ट विल गेट कंप्लीटेड, करेक्ट, सारे एक्टिविटीज हो गए प्रोजेक्ट के, प्रोजेक्ट हो गया, राइट। तो दीज ऑपरेशंस आर टर्म्ड एज एक्टिविटी विच रिक्वायर एक्सपेंडिचर ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेस फॉर अकम्प्लिशमेंट, ठीक है। इसको टाइम लगेगा और इट विल नीड सम रिसोर्सेस, ठीक है, दैट इज एक्टिविटी। तो क्या हमारा जो जिसको हम एरो करके डिपेक्ट कर रहे हैं वही है एक्टिविटी, ठीक है, ये है एक्टिविटी आप, ओके। और इसके कुछ मैं खासियत बताता हूँ आपको, एक्टिविटी का के कुछ रूल्स हैं, ओके। सी इफ दिस इज योर नोड, ठीक है, दिस इज अ नोड एंड दिस इज योर एक्टिविटी, ठीक है। सी, एक्टिविटी शुड ऑलवेज गो फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये इट कैन गो अप, इट कैन गो स्ट्रेट लाइक दिस, इट कैन गो डाउन हियर, इट कैन गो डाउन लाइक दिस, दैट्स ऑल फाइन, ठीक है, लेकिन ये पीछे नहीं जाना चाहिए। सो दैट मीन्स ये एक्टिविटी है, इसका जो 90 डिग्री पॉइंट इज दिस अप्रॉक्सीमेटली, ये 90 डिग्री पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ कहीं भी रह सकता है, ओके, दैट्स ओके बिकॉज इट्स गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। लेकिन ये 90 डिग्री पॉइंट अगर ये है, इसके पीछे नहीं आ जाना चाहिए, देन इट इज गोइंग बैकवर्ड, सो इट शुड नेवर गो बैकवर्ड, अंडरस्टूड। तो दिस इज वन मेजर रूल, इट कैन गो अप, कोई प्रॉब्लम नहीं, अप जा सकता है,
बट एंड रिजल्ट शुड बी कि ये आगे जा रहा है, ठीक है। इसलिए आप ये 90 डिग्रीज का जो पॉइंट है आपका, इससे थोड़ा आगे करेंगे आप तभी आगे जाएगा ना। इफ द पॉइंट इज एट 90 डिग्री तो उसी लाइन में आगे चलते जाएगा, राइट। सो ये है, दिस इज वन मेन थिंग, ओके। इट सो इट शुड बी, इट शुड नेवर गो बैक, ठीक है। और दूसरा है जिगजैग लाइन नहीं चलता, ठीक है। कैन नॉट बी अ जिगजैग लाइन, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं बना सकते, ठीक है, ऐसा नहीं बना सकते, फाइन। इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज, ओके। तो और भी कुछ प्रॉपर्टीज मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे, ओके। दीज आर सम इन अ नेटवर्क डायग्राम, एक्टिविटी इज डिपिक्टेड बाय सिंगल एरो, दिस इज नॉट स्केल्ड एंड लेंथ हैज नो बैरिंग टू द टाइम टेकन, दैट वी हैव सीन। जो एरो का लेंथ हैज नो बैरिंग टू द टाइम टेकन, ठीक है, इन नेटवर्क डायग्राम। बट सेम इज नॉट द केस ऑफ गैंट चार्ट, ठीक है। हेड ऑफ द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, ठीक है। इट के एक्टिविटी कैन नॉट बिगिन अंटिल प्रिसीडिंग वंस आर कंप्लीटेड, ठीक है। पिछला एक्टिविटी होने के बाद ही नेक्स्ट एक्टिविटी विल स्टार्ट, ओके। दीज आर सम रूल्स व्हिच हैव बीन मेड सो दैट द डायग्राम मेक्स सेंस, ओके। प्रीडेसेसर एक्टिविटी, एक्टिविटी व्हिच मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर स्टार्ट ऑफ दिस एक्टिविटी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जो है, ठीक है, मैं बताता हूँ। दिस प्रीडेसेसर एक्टिविटी इज द प्रीवियस एक्टिविटी विच हैज बीन कंप्लीटेड एंड नाउ दिस एक्टिविटी इज स्टार्टिंग, इट्स कॉल्ड प्रीडेसेसर एक्टिविटी। सक्सेसर एक्टिविटी इज आफ्टर माई एक्टिविटी इफ सम अदर एक्टिविटी इज गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज सक्सेसर एक्टिविटी, ठीक है। चलिए, ओके। तो ये जो है यहाँ पे, दिस एक्टिविटी डी, ये वाला जो दिख रहा है आपको डी, दिस इज द सक्सेसर एक्टिविटी टू विच टू ए, ये ए का सक्सेसर एक्टिविटी, कौन सा, डी, ठीक है। ए के बाद आ रहा है ना, तो ए का सक्सेसर एक्टिविटी। वही अगर डी का ए क्या है, प्रीडेसेसर एक्टिविटी, अंडरस्टूड। डी के लिए, फ्रॉम डी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डी, डी के पहले है ए, राइट, सो दैट इट इज प्रीडेसेसर ऑफ डी, ठीक है। सो ए इज प्रीडेसेसर ऑफ डी, सो ए इज द प्रीडेसेसर एक्टिविटी ऑफ डी, समझ गए। इफ नाउ आई वांट टू टॉक फ्रॉम एज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ए के लिए डी क्या है, सक्सेसर एक्टिविटी, डी इज ए सक्सेसर एक्टिविटी फॉर ए, समझ गए, ठीक है। सिमिलरली एक दो तीन और चीज हम देखेंगे, व्हाट इज अ मर्ज इवेंट, व्हाट इज अ बर्स्ट इवेंट, ठीक है। अच्छा, बर्स्ट इवेंट से क्या समझ में आ रहा है, कुछ फूट के निकल रहा है बाहर, ऐसे समझ में आ रहा है, राइट। सो देखिए यहाँ पे देर इज, ये सर्कल से ये भी बाहर आ रहा है और ये भी बाहर आ रहा है, दोनों बर्स्ट होके बाहर आ रहे हैं, करेक्ट। सो इसको बोलेंगे हम बर्स्ट इवेंट, ओके। और एक चीज है जिसको बोलते हैं मर्ज इवेंट, मर्ज इवेंट मीन्स एक से ज्यादा एक्टिविटीज जब एक ही नोड में अटैच हो रहे हैं। सो यार लास्ट वाला देखिए सबसे, सी डी इज ऑल्सो यहाँ पे अटैच हो रहा है एंड दिस सी इज ऑल्सो गेटिंग अटैच्ड हियर, टू एक्टिविटीज आर गेटिंग अटैच टू द सेम नोड, इसको बोलते हैं मर्ज हो रहे हैं दोनों एक ही नोड में, दिस बिकम्स मर्ज एक्टिविटी, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, ए एंड बी के लिए, ठीक है, ये हो गया था वन जो है, ये है बर्स्ट इवेंट, ये बर्स्ट होके निकल रहे थे, ओके। और ये क्या हो गया था, ये मर्ज इवेंट, फोर इज मर्ज इवेंट, जो फोर इवेंट, इवेंट दो दो तरह से हम देख सकते हैं इसको, ओके। वन आर दिस एरोस विच आर एक्टिविटीज, दूसरा ये नोड्स जो है इवेंट, ठीक है। कुछ चीजें
कुछ चीजों में आप इवेंट को डिफाइन करते हो, कुछ चीजों में आप एक्टिविटी को डिफाइन करते हो। तो इस केस में यू हैव मर्ज इवेंट एंड दिस इज मर्ज इवेंट फॉर, वन इज बर्स्ट इवेंट। ठीक है, ओके। फिर है आपका कंकरेंट एक्टिविटीज, मींस एक्टिविटीज विच अकर साइमल्टेनियसली। ठीक है, ओके। अब यही चीज जो है, अगर मैं अगर ये जो है ये बर्स्ट इवेंट, वन इज अ बर्स्ट इवेंट, ठीक है, इवेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बर्स्ट इवेंट है। नाउ जो वन से निकल रहे हैं दोनों साथ में, ये क्या है, ये दोनों एक्टिविटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूंगा, आई विल से ए एंड बी आर कंकरेंट एक्टिविटीज, दैट इज एक्टिविटीज विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम बर्स्ट इवेंट। ठीक है, तो ये है एक चीज। ठीक है, इवेंट तो आप जानते हो, राइट, हमने जब डिस्कस्ड इवेंट, स्पेसिफिक अकम्प्लिशमेंट इन अ प्रोजेक्ट दैट टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, जब एक एक्टिविटी खत्म होती है, दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज इवेंट। ओके, इट डज नॉट कंज्यूम टाइम और रिसोर्सेस। ठीक है, सो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे बैलेंस शीट वी मेक इट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सो जो है ये, दिस इवेंट इन इटसेल्फ डज नॉट कंज्यूम एनी टाइम और रिसोर्सेस। ठीक है, एक्टिविटीज कंज्यूम टाइम एंड रिसोर्सेस, कैन बी कंसिडर्ड एज टाइम ओरिएंटेड रेफरेंस पॉइंट सिग्निफाइंग एंड ऑफ एन एक्टिविटी एंड स्टार्ट ऑफ अनदर एक्टिविटी। ठीक है, सो इवेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स इन द नेटवर्क डायग्राम, ऑल्सो कॉल्ड एज नोड्स। ऑल एक्टिविटी एरोज मस्ट बिगिन एंड एंड विद इवेंट नोड्स। ठीक है, सारे एक्टिविटीज मस्ट स्टार्ट एंड एंड विद नोड्स। ओके, चलिए, इसके बाद हमने वी हैड सीन स्टार्ट इवेंट इज कॉल्ड टेल इवेंट, फिनिश इवेंट इज कॉल्ड एंड इवेंट। ठीक है, तो मैंने क्या आपको बताया था, ठीक है, जस्ट थिंक ऑफ इट एज अ डॉग और एन एनिमल। ठीक है, स्टार्ट इवेंट ये तो आपको, दिस यू कैन इजीली मेक, राइट, स्टार्ट इवेंट एन एक्टिविटी गोज एंड दिस इज द फिनिश्ड इवेंट। ओके, अब व्हाट इज टेल इवेंट, व्हाट इज हेड इवेंट, उसके लिए कभी भी ये सोचना है, लेफ्ट टू राइट, हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, राइट, जस्ट थिंक ऑफ अ डॉग कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ से आ रहा है, ठीक है, उसका हेड यहाँ पे है, उसका टेल यहाँ पे, दैट्स व्हाई स्टार्ट इवेंट विल बी टेल इवेंट, टेल यहाँ पे है ना, दिस विल बिकम स्टार्ट इवेंट इज इक्वल्स टू टेल इवेंट, फिनिश इवेंट इज इक्वल्स टू हेड इवेंट। ओके, चलिए, सो मर्ज इवेंट, इवेंट वेयर मोर देन वन एक्टिविटी एंड्स, जैसे मैंने आपको बता चुका हूं अभी, ठीक है, मर्ज इवेंट आई हैव टोल्ड यू, उसको बोलेंगे मर्ज इवेंट्स, वैसे बर्स्ट इवेंट्स में एक ही नोड से व्हेन मोर देन वन एक्टिविटी इज कमिंग आउट, दैट इज बर्स्ट इवेंट। ठीक है, अच्छा, मर्ज एंड बर्स्ट इवेंट, यहाँ पे दोनों भी चीज हो रही है एक ही नोड में, इट्स पॉसिबल, राइट, इन द सेम नोड टू एक्टिविटीज आर कमिंग एंड ज्वाइनिंग, वेयर एज टू एक्टिविटीज आर गोइंग आउट ऑफ इट ऑल्सो, दोनों भी हो रहा है। ओके, दैट यू विल कॉल्ड एज मर्ज एंड बर्स्ट इवेंट्स। ठीक है, इसको बोलेंगे हम मर्ज एंड बर्स्ट इवेंट्स। तो इसका मर्ज एंड बर्स्ट इवेंट यानी ऐसा कुछ होगा, देखिए, ठीक है, दिस इज स्टार्टिंग नोड फ्रॉम हियर, टू इवेंट्स आर गोइंग आउट। ठीक है, अब ये इवेंट को क्या बोलेंगे, ब्लू को, व्हाट विल बी कॉल ब्लू इवेंट,
मिल गए। इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज इट कॉल्ड, इट्स कॉल्ड एज बर्स्ट इवेंट। इसमें से ये दोनों बर्स्ट होके निकल रहे हैं ना। एलियन, एलियन पिक्चर नहीं देखे क्या? एलियन या एलियन वर्सेस प्रेडेटर, नॉट सीन एनी ऑफ दिस। ठीक है, चेस्ट में से बर्स्ट एंड कम्स, नहीं प्रेडेट जो एलियन है, इसीलिए इसको बर्स्ट इवेंट बोलते हैं कि इसे टूट के इसमें से बाहर निकल रहा है। राइट, तो ये दोनों क्या हो गया, दिस आर बर्स्ट इवेंट्स। अब सेम इवेंट में मैं अगर बोल रहा हूँ कि नेटवर्क डायग्राम यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, पर इट इज स्टार्टिंग कहीं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सब कुछ है, पीछे भी नेटवर्क है। ओके, तो अगर ये यहाँ भी है, यहाँ भी है सपोज, ओके, इफ देर आर एक्टिविटीज, ठीक है, यहाँ से ये आ रहा है, यहाँ से ये आ रहा है, ठीक है। अब जो ये आपका ब्लू, जो वायलेट कलर का जो सेल है, ओके, तो इसको आप क्या बोलेंगे, आप यर, दो एरोज जुड़ भी रहे हैं, दो निकल भी रहे हैं, करेक्ट। इट इज कॉल्ड एज मर्ज एंड बर्स्ट इवेंट। चलिए, सो आई विल गिव यू ब्रेक नाउ, ठीक है, लंच ब्रेक, डिनर। ठीक है, सो यू कैन कम बैक बाय 10:05, ठीक है, 10:05। चलिए, इफ यू वांट यू कैन स्टे और यू कैन ज्वाइन बैक अगेन, दैट्स ओके।
और सुमित जी, पढ़ाई वढ़ाई कैसा चल रहा है अभी? सर ठीक है सर, थोड़ा सा भी अप टू डेट हुआ है। जो वीडियो छोटा हुआ था ना, हाँ वो अप टू डेट हुआ है पहले से। आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा, मगर अप टू डेट हो जाएगा। अच्छा, मेरा उधर एग्जाम टाइम भी छूट गया था ना सर, और बाकी घर में जानते ही हैं, वर्किंग होने के कारण उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। मुश्किल होता है सर, नहीं वो तो है। मुश्किल भी नहीं जाएंगे, बहुत मुश्किल है। समझे कि परिस्थिति से लड़ रहा हूँ। अच्छा मैं पहले से ठीक है सर। अच्छा अभी आपका ये लोग OMSM का टेस्ट देना है। मैंने कौन सा दिया था? चैप्टर 1, 2 एंड 3 हुआ था ना अभी तक। एमसीक्यू टेस्ट हम्म, सर, एमसीक्यू में सर 1, 2, 3 नहीं हुआ था, बट वो चैप्टर नंबर 1 और 2 का कुछ टॉपिक हुआ था, नॉट ऑल टॉपिक। अच्छा, तो एक टेस्ट हम लोग कर सकते हैं। सर सिक्सटीन के कुछ दिन के बाद करिएगा। आईडीटी के कम से कम हफ्ता, एक हफ्ता के ब्रेक कम से कम रखिएगा मिनिमम। 24 आपका, 1 मिनट, ये जो है April 16 को है एक आपका टेस्ट IDT का, ठीक है, और 16 को है IDT। देन इसको मैं 20th को ले लूँ फिर, या नहीं सिक्स? सर, 20th नहीं, कम से कम 7 दिन 8 दिन तो मिनिमम डिफरेंस देखिए, उससे कम नहीं है। 23rd ठीक है लीजिए, सर, हाँ तो ठीक है, ट्वेंटी ठीक है। मैं कौन सा दिन? OMSM जो है चैप्टर्स 2, 3, 5, 7, ठीक है, ये 4 करें, टू 3 5 7 ठीक है सर। थ्री SM का एक अलग बाद में ले लेंगे, सारे SM का। तो SM का प्रिपरेशन आप लोग चालू रखिए, फिर तीनों का मिला के एक ले सकते हैं, या तो फिर इसके साथ एक SM का एक एक चैप्टर जोड़ सकते। नहीं सर, वो इससे भी देरी इतना ही रहने दीजिए, उतना ही पहले कर लेते, अच्छा, ये इतना टाइम का ब्रेक रहेगा ना तो कर लेंगे। इसके बाद है आपका 30th, ठीक है, आपके पास टाइम ही कितना है मैं बता रहा हूँ। 30th, फिर सेवन 7, 14, 21, 28 को, अरे 4th ऑफ जून, बस यहाँ पे एग्जाम खत्म आपका, ठीक है, इसीलिए आपको लिख के बता रहा हूँ, आप लोगों को पता रहे कितना स्लॉट्स है। तो 23rd को ये हो गया OMSM का, ठीक है, एक एग्जाम और ले सकते हैं हम OMSM का, एक या दो भी ले सकते हैं। और फिर किसमें आपका लूंगा, ये आपका CMA का एक ले सकते हैं, दैट इज CMA चैप्टर 1, 5
और बजटरी कंट्रोल, ठीक है। तो ये आपको चाहे तो मैं ये May 7 को कर दूंगा, ठीक है। CMA Chapter 1, 5 एंड बजटरी कंट्रोल तीनों का रहेगा, तो आप लोगों को तो टाइम मिल जाएगा ठीक। यहाँ पे। तो अभी से ही आप लोग थोड़ा बहुत ये OMSM के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। 23rd को अपन करेंगे, ठीक है। 2, 3, 5, 7 आप लोग, इफ यू डोंट वांट टू तो मैं टू को निकाल भी सकता हूँ, 3, 5, 7 जैसे। ठीक है सर। क्योंकि बस ये हो गया। इसके बाद देन आपका एक SM का टेस्ट ले लेंगे, SM का कोई भी 2 चैप्टर का ले लेते हैं पहले, नहीं तो बहुत हेवी हो जाएगा। SM, क्या रहे तो देखते हैं बाद। ये 3 टेस्ट अभी है लाइंड अप आपके। 16th को IDT का है, ठीक है। देन 23rd को OMSM, 2, 3, 5, 7, ठीक। एक और चाहिए OMSM प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और PPC का, एक टेस्ट तो करना ही करना है अपने। तो लेट अस से उसको अपन यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। OMSM 4, 6, ठीक है। ये 4th को डाल दिए, ठीक है। ये हो गया। फिर एक एक टेस्ट लेना पड़ेगा अपने को, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग टूल्स का, उसको यहाँ पे डाल दूँ अगर। ठीक है। 4th जून है, 4th जून, इसके जून में तो आगे को एग्जाम लेने में मतलब नहीं है कुछ, राइट। यू नीड सम टाइम टू स्टडी। सर बट टेस्ट तो दे सकते हैं ना सर, टेस्ट देने से तो बेटर ही होगा। टेस्ट मतलब 15 जून तक तो टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, देखते हैं पहले ये टेस्ट कौन कौन देता है वो देखेंगे। ओके सर। अभी तो आपके पास कितना है, अभी तो ये 4th अप्रैल तक है, 4th जून तक। इसमें आप लोग यू शुड एक्चुअली ट्राई टू डू वन टेस्ट एवरी वीक। यस एक एक हर वीक में एक एक टेस्ट देते रहेंगे तो फिर अच्छा है ज़्यादा। ठीक है, फिर इसके आगे देखेंगे फिर क्या और होता है, तो देखेंगे आफ्टर 4th। तो यहाँ पे एक्चुअली ये मतलब नहीं कि सारे टेस्ट यहाँ खत्म हो जाएंगे करके 4th में, ठीक है। ये मैं तो सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स के बता रहा हूँ, शिवम सर के भी कुछ टेस्ट चलेंगे आगे। 4th के बाद आपका IDT का टेस्ट होगा, इतना इतना गैप अगर लोगे आप लोग IDT, अभी 16th IDT, इसके पीछे आप लोगों ने 3 वीक्स अगर वेस्ट कर दिए, दूसरे सब्जेक्ट का टेस्ट कहाँ हो पाएगा उसमें। सर एक चीज पूछना था, हाँ ये जो इंस्टीट्यूट के साइट पे क्वेश्चन पेपर मिलते हैं पास्ट टर्म वाले, हाँ उसको सॉल्व करना बेटर है या फिर जो स्कैनर है उसको सीधा उठा के बनाना बेटर है? स्कैनर्स करेंगे तो इनफ है वैसे, स्कैनर इज सफिशिएंट। स्कैनर, अच्छा क्वेश्चन तो सेम ही है ना, बस स्कैनर में सामने ही आंसर दिया हुआ है, हाँ और तो कुछ फर्क तो नहीं है जहां तक हमको जानकारी है।
हाँ आप उसको आपको तो ऐसे बेहतर हो गया, लेके आप करेंगे सॉल्व तो उसमें भी फायदा होगा। क्योंकि उस पर आंसर सामने लिखा है ना, वो कितना भी कुछ करे तो दिमाग चला ही जाता है, इसका ये है, इसका ये है। वो तो है। सोच आपसे पूछे क्या करें, मतलब उसको डाउनलोड करके उससे बनाए बीच बीच में, या फिर स्कैनर ही सीधा उठा के पूरा बनाना। हाँ आप, आप सोच के बताइए कैसे एक बनाते। हाँ ठीक है। तो अभी फिलहाल आपका 16th को IDT है, 23rd हाँ को ये OMSM 2357, और उसके आगे कोई टेस्ट रख रहे हैं 30th वगैरह को, तो आप लोग बताइए आपको कितने, जितना आप स्पेस मिस होगा इसमें उतना आखिरी में कितना टेस्ट होगा। और सर 30th को भी तो ले सकते हैं आप, उसके 7 days का गैप हो ही जाएगा। ये वाला यस सर। सर अगर टेस्ट बना रहे हैं ना, तो फिर वो उस हिसाब से बनाइएगा ना, कि मतलब कि आप जैसे है ना, जैसे आपने बोला कि 23 को लेंगे, फिर उसका 30 को लेंगे टेस्ट, तो वो आप इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जैसे हमारा 8 सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो उसमें कवर हो जाए। जैसे है ना, जैसे अभी हम लोग IDT का तैयारी कर रहे हैं, पता है कि IDT का 100 नंबर का, तो तैयारी भी उसी हिसाब से जोड़ सोता है, कहाँ वो करते भी हैं जो आप लोग तैयारी? नहीं सर करते, ऐसा नहीं है, नहीं करते करते हैं सर, अभी IDT के लिए कर रहे हैं, 16 तारीख को है ना, सर बता दिए थे नहीं, ना 15 दिन आईडीटी के लिए पहले। जब आप जी कर रहे हो, 3 हफ्ते का जब टाइम इसके पीछे लगा है, आपको खुद ही समझना चाहिए कि कुछ और टेस्ट भी साथ में होने चाहिए। तो आप लोग सोचते हो जितना गैप मिल जाए उतना अच्छा है करके, इसीलिए तो मेरे को ये ऐसा लिख के आपको बताना पड़ता है कि भाई इतना ही टाइम है आपके पास। ये तो फिर आप हर वीक में नहीं लग, पहला जब तो यही आता है कि 2 दिन बाद हो टेस्ट, 1 हफ्ते बाद हो टेस्ट। और इसके बीच में आप अभी भी यू आर नॉट सीइंग व्हाट इज रिटन बिटवीन द लाइंस। अभी कितने कितने इसमें आईडी टिकट के टेस्ट बाकी है, एफएम के टेस्ट बाकी है, आपके कंपनी अकाउंट्स के टेस्ट बाकी है, कहाँ कहाँ फिक्स होंगे बताइए मेरे को। वीकली वंस भी अगर लिया जाए तो भी, ये तो आपको हमको स्केड्यूल देना चाहिए कि सर ये दिन को ये टेस्ट ले लो कर, तो पढ़ना तो आपको है ना। सर, अब हम लोग कितना घुसाएंगे इसके बीच बीच में, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं बीच में। 30 का कोई एक टेस्ट आप शिवम सर को बोल के रखवाइए यहाँ पे, ठीक है, कंपनी अकाउंट्स में भी कुछ कंपनी अकाउंट्स का कोई पार्ट लग। कंपनी ये ऐसे तरह से डेट में सर आप लोग कंपनी अकाउंट से बेटर सर एफएम का, कंपनी आप कुछ अकाउंट्स भी में फिलहाल कुछ एक ही भी आप लोग, चैप्टर हुई। ठीक है, जो आप लोग को अच्छा लगे वो। मैं ये बता रहा हूँ सिर्फ कि अभी डेट्स इतने हैं आपके पास, ये तो मैंने 4 तक रखा है, 1 दिन और 1 हफ्ता और चाहिए तो और बढ़ जाएगा, यहाँ मैक्सिमम 11th तक जा सकते हैं हम, संडे है। यस सर। एक और तो इतना दिन है, तो ये दिन में 16, 23, 30th, फिर 7th, सब सब संडे संडे है पूरे, ठीक है, सारे संडेज हैं। तब ये संडेज में इतने संडेज है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और एक 9 पकड़ लीजिए आपका 11th, ठीक है। 9 टेस्ट चाहिए, कौन कौन से 9 टेस्ट चाहिए आप लोग बता दो हमको, वो उस डेट को हम ले दे देंगे पेपर। इट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन जिसका आपको नेसेसिटी ज्यादा फील होती है उसका आप ले लो। तो फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ एज ऑफ नाउ, आपका 16th का तो शिवम सर ने दे दिए ऑलरेडी, 23rd का OMSM 227 इसका टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव टाइप भी रिलीज कर दूंगा, तो इसके बाद में आगे आप, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, हम लोग कब बताएंगे तो करेंगे। तो क्या होगा, 4-5 दिन और चले जाएंगे, फिर एक टीचर अपने पूरे टेस्ट रख लेगा तो फिर दूसरा क्या करेगा, राइट। हमारे पास है ही अगर यस 5 वीक सर। या 4 वीक,
राइट right. एक वीक में आपका दो सब्जेक्ट है तो टेस्ट को घुसा घुसा नहीं सकते हम, ये भी नहीं होगा फिर वो भी नहीं होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट इज मर्ज एंड बर्स्ट इवेंट्स। So events where more than one activity ends and from more than one activity starts. ठीक है, तो ये मैंने बताया था आपको जाने से पहले, राइट? अब देन नेक्स्ट इज डमी एक्टिविटी। ओके, एक्टिविटीज अकरिंग साइमल्टेनियसली इज अ वेरी कॉमन फीचर इन प्रोजेक्ट। ठीक है, इसका क्या मतलब है? मतलब डमी एक्टिविटी का ये डेफिनेशन है, नहीं बोल रहे, ये नहीं बोल रहे। सो एक्टिविटीज अकरिंग साइमल्टेनियसली इज वेरी कॉमन फीचर इन अ प्रोजेक्ट। ओके, तो इसको यानी एक प्रोजेक्ट में दो एक्टिविटीज जो साइमल्टेनियसली साथ साथ में चल रहे हैं, ये काफी नॉर्मल चीज है, ठीक है। लेकिन अगर देखिए, मैंने ये बताया ठीक है, अभी अभी नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं कि क्या है डमी एक्टिविटी। ओके, सो ये वाला, ये एक छोटा सा नेटवर्क डायग्राम है। ओके, ये क्या बोलता है? वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम नोड वन। ओके, सो नोड वन टू नोड थ्री एक्टिविटी ए जा रहा है। ओके, एक्टिविटी ए इज गोइंग। अब नोड फोर इज द लास्ट वन, ठीक है। इसमें ये है नोड डी, सॉरी नोड नहीं, एक्टिविटी डी है। ओके, और एक्टिविटी डी के लिए कंडीशन है कि वो एक्टिविटी ए खत्म होने के बाद होना चाहिए, शुड हैपन आफ्टर एक्टिविटी ए इज हैज एंडेड। ओके, शुड हैपन आफ्टर एक्टिविटी ए हैज एंडेड एंड आफ्टर एक्टिविटी बी हैज एंडेड। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? क्या बोला, क्या क्या बात हुई अभी हमारी? सर वी हैव यू टोल्ड दैट डी हैज ए एंड बी दी कंटेंस बोथ ए एंड बी फॉर डूइंग डी ए एंड बी मस्ट बी कंप्लीटेड। दैट्स व्हाई ओके, वी हैव टू प्रिपेयर अ डमी लाइन। या बिकॉज ऑफ दिस, सो बाय प्रिपेयरिंग दिस डमी लाइन, ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर जस्ट शोइंग, ये है हमारा, दिस इज योर डमी लाइन, ठीक है, ये जो डैश 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 ऐसा आया गया, ठीक है। तो दिस, व्हेन यू ज्वाइन दिस डमी लाइन हियर, डमी लाइन का खुद का कोई वैल्यू नहीं होता। ओके, इट इज जीरो, बट आपको सिर्फ प्रिसीडेंस एस्टेब्लिश करते आ रहा है आप। तो यू आर सेइंग दैट ये जो बी है, एक्टिविटी बी कंप्लीट होने के बाद जो है तभी ये डी हो पाएगा। ये मैं प्रोजेक्ट डायग्राम के थ्रू कैसे बताऊं? ओके, आई वॉन्ट टू से दैट बाय माई डायग्राम आई वॉन्ट टू कन्वे दैट आफ्टर एंड ऑफ एक्टिविटी ए एंड ऑल्सो एक्टिविटी बी, एक्टिविटी डी कैन बी डन, अदरवाइज नो। सो ओनली इफ आई मेक दिस डमी, यहाँ पे इसको डैश 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 में जोड़ता हूँ यहाँ पे, ओके, ओनली देन
अब ये मतलब आ रहा है कि योर एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी बी यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, राइट, एंड यू हैव ज्वाइंड दिस ईयर नो, दैट मीन्स अगर ये ज्वाइन नहीं होता तो डी नहीं हो पाता, वो मतलब दैट मीन्स डी होने के लिए ये बी का भी कंप्लीट होना जरूरी है, वो हमने बताया, अंडरस्टूड, दैट इज द प्राइमरी रीजन ऑफ डमी एक्टिविटी। ठीक है, समझ में आया कि डॉट डॉट वाली एक्टिविटी क्यों यूज होती है? ठीक यस सर। ओके सो ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज डमी एक्टिविटी। एक्टिविटीज अकरिंग साइमल्टेनियसली, ठीक है, ये होते रहता है। ऑल्सो टू एक्टिविटीज कैन हैव सेम स्टार्ट एंड एंड इवेंट्स, ठीक है। और एक चीज ये हो सकता है कि दो एक्टिविटी है, ओके, उसके स्टार्ट इवेंट इज ऑल्सो सेम, एंड इवेंट इज ऑल्सो सेम, ठीक है। जैसे ये दोनों देखिए, यार स्टार्ट इवेंट, ये एंड इवेंट है। सपोज ऐसी दो एक्टिविटीज है, ठीक है, जिसका स्टार्ट, दोनों बोथ एक्टिविटीज आर डिफरेंट, फाइन, बोथ एक्टिविटीज आर डिफरेंट और उसके स्टार्ट एंड फिनिश इवेंट सेम है दोनों के, ठीक है। इन दैट केस क्या होगा, ये एक ही लाइन में मैं दो बार खींचूंगा, करेक्ट, दिस इज वन एक्टिविटी एंड सेकेंड वन, क्योंकि मैं जिगजैग तो कर नहीं सकता कुछ, राइट, दैट्स नॉट, दैट कैन नॉट बी डन, तो सेकेंड एक्टिविटी भी इसके ऊपर ही आएगा वो, राइट। यस सर। व्हाई सर, व्हाई सर, मतलब ऐसा क्यों करेंगे? नहीं, क्योंकि मतलब आप क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ से ले लो करके, ये ऐसे मतलब क्या होगा, जब एक ही एक्टिविटी है कि दोनों के बीच में एक ही एक्टिविटी है, ठीक है, सेम एक्टिविटी इज गोइंग ऑन, राइट, स्टार्ट एक्टिविटी सेम है, एंड एक्टिविटी भी सेम है, लेकिन यस एक में कुछ और चीजें भी हो रही है, दूसरे में कुछ और चीजें हो रही है। मान लीजिए वो लोग वायरिंग बिछा रहे हैं, ओके, वन टीम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कॉपर वायर को कनेक्ट करेंगे, सेकेंड वन इज सम एल्यूमिनियम वायर को कलेक्ट कनेक्ट करेंगे, सो दोनों सेम रूट फॉलो कर रहे हैं, सर। करेक्ट, व्हेन दे आर फॉलोइंग द सेम रूट, तो दोनों लाइन इम्पोज हो जाएंगे ना एक के ऊपर एक, हमको, हम उसको दिखाएंगे कैसे डायग्राम में अलग। सर जैसे, और ये मतलब किसी और तरह का शेप नहीं बना सर? जिगजैग नहीं, मतलब शेप डिफरेंट टाइप्स की। नहीं, क्योंकि क्या होता है कि आपको ये नेटवर्क डायग्राम बहुत ही कॉम्प्लेक्स बन जाता है वैसे ही, ऐसा नहीं, इतना इजी नहीं दिखे कि एक स्टार्ट इवेंट यहाँ दिख रहा है हमको, फिनिश ऐसा दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है। नहीं सर, मतलब जैसे इस टाइप की, कैन आई मेक दैट हाँ ट्राई, लाइक दिस सर? लाइक मिस करेगा? नहीं कर सकते वैसे, नहीं, नहीं। ठीक है, देर आर सम रूल्स दैट दीज लाइन्स हैव टू बी स्ट्रेट, ओके, इस तरह से कुछ कुछ रूल्स है, तो इसके लिए क्या किया जाता है ना, इसी के लिए अगर मुझे दो एक्टिविटी बनाना है तो एक डमी के लिए एक डमी बना दूंगा बस यहाँ पे, ओके, सो यस सर। देन बस इसको मैं, आई विल जस्ट से इसको, ये डमी को यहाँ जोड़ दूंगा, ठीक है, और इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दूंगा, Got it? तो इससे क्या होगा कि मैं, मेरे को बड़े इजीली, वेरी इजीली इन द पिक्चर आई विल बी एबल टू रीड इट, ये सब इसीलिए रूल्स बनाए गए हैं टू मेक इट मोर रीडेबल, ठीक है, तो कल को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए इसको पढ़ने में भी, ठीक है। तो इन द एंड जब डायग्राम चार्ट पूरा बन जाता है, इट्स वेरी वेरी क्लियर, एवरीवन कैन रीड, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। इसके लिए
डमी एक्टिविटीज यूज होता है. ओके okay? ठीक है. तो ये सब चलिए. तो विद द यूज ऑफ डमी एक्टिविटीज अदर एक्टिविटीज कैन बी आइडेंटिफाइड बाय यूनिक एंड इवेंट्स. ठीक है, सारे एक्टिविटीज को यूनिक एंड इवेंट, है ना, जहाँ एंड इवेंट सेम है फिर भी आप दोनों एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके सो चलिए, तो ये हो गया. एंड देन डमी एक्टिविटीज कंज्यूम नो टाइम और रिसोर्स. ठीक है, ये तो डमी एक्टिविटीज का प्रॉपर्टी है. इट कंज्यूम्स नो टाइम और रिसोर्स. इट यू यूज इट ओनली फॉर पिक्टोरल क्लैरिटी. ठीक है, सही क्लैरिटी के लिए हम इसको यूज करते हैं. राइट, सो दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय डैश्ड एरोज एंड इंसर्टेड इन द नेटवर्क टू क्लैरिफाई एक्टिविटी पैटर्न इन द फॉलोइंग सिचुएशंस. ठीक है, सो एक तो है ये कोई टाइम रिसोर्स कुछ भी इट डजेंट कंज्यूम. ठीक है, कोई टाइम भी नहीं लगता है, तो पैसे भी नहीं लगते हैं डमी एक्टिविटीज में. इट इज जस्ट फॉर पिक्टोरल क्लैरिटी. ठीक है, तो आपको सो व्हेन व्हेन डू यू यूज डमी, आप यूज करोगे टू मेक एक्टिविटीज विद कॉमन स्टार्ट एंड एंड इवेंट्स डिस्टिंग्विशेबल. इजिली यू विल बी एबल टू सी, अच्छा कि ये दो नोड्स है, इसके बीच में सपोज चार एक्टिविटीज है. विद डमी एक्टिविटीज यू कैन वेरी क्लियरली मेंशन देम. ओके, प्रिसीडेंस रिलेशनशिप, यानी कई बार हमको ये बताना जरूरी है कि पहले कौन सा है बाद में कौन सा. ओके, विच विल कम फर्स्ट विच विल कम लेटर. फॉर दैट ऑल्सो यू हैव टू इंसर्ट डमी एक्टिविटीज. तो दैट वी विल सी विद एग्जाम्पल्स. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम प्रिसीडेंस रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं. ओके, इफ ए एंड बी आर कंकरेंट एक्टिविटीज. ठीक है, तो ये वो जो नीचे वाला जो डायग्राम में आपको बता रहा था ना पहले, सेम उसका एग्जाम्पल है. ओके, पर ए एंड बी आर कंकरेंट एक्टिविटीज, सी इज डिपेंडेंट ऑन बी एंड डी इज डिपेंडेंट ऑन बोथ. ए एंड बी आर कंकरेंट एक्टिविटीज. ठीक है, मतलब कंकरेंट एक्टिविटी मतलब दोनों एक से एक दूसरे के सामने है, नहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लाइक एक ही नोड से दोनों निकल रहे हैं. जॉइंड है. ज्वाइंड. ओके, सो ए एंड बी आर कंकरेंट एक्टिविटीज, सी इज डिपेंडेंट ऑन बी एंड डी इज डिपेंडेंट ऑन बोथ. एक मिनट, इसको मैं इसका ये बताता हूँ. ठीक है, ए एंड बी आर कंकरेंट एक्टिविटीज, ये हमारा ए और बी. ठीक है, यहाँ पे निकल रहा है. ओके, व्हाट्स नेक्स्ट, सी इज डिपेंडेंट ऑन बी एंड डी इज डिपेंडेंट ऑन बोथ ए एंड बी. सी इज डिपेंडेंट ऑन बी, ये जो सी है ये लास्ट वाला एक्टिविटी. ठीक है, ये दोनों कॉन्करेंट एक्टिविटीज. ठीक है, इनका काम हो गया. ठीक है, ये मालूम है. नाउ फॉर सी, सी के लिए डी होना है, सिर्फ बी खत्म होना है बस. ओके, फॉर सी ओनली बी हैज टू बी कंप्लीटेड. ओके, तो इतना दिया है, पहले तीन लाइंस तो हमारे हो गए. ठीक है, सो नाउ ओके, अब ये दिया है नेक्स्ट चीज डी के लिए. ठीक है, इस सी के लिए बी हो गया तो इनफ है, सो दैट इज फाइन. ओके, नाउ बट फॉर डी, अब ये जो डी है हमारा, ठीक है, डी के लिए ए शुड बी ओवर एंड बी शुड ऑल्सो बी ओवर. ठीक है, अब बी होने के बाद ही डी करेंगे हम, ये बताने के लिए
दिस डमी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तभी आप ये बता सकते, ठीक है। सो यू नाउ इफ यू सी द लास्ट लाइन हियर, ठीक है, ए एंड बी आर कंकरेंट एक्टिविटीज, सी इज डिपेंडेंट ऑन बी एंड डी इज डिपेंडेंट ऑन बोथ ए एंड बी, ठीक है, वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ डमी। टी इज डिपेंडेंट ऑन बोथ ए एंड बी, ठीक है। सो डी जो है ए में भी पे भी डिपेंड है, बी पे भी डिपेंडेंट, ठीक है। लेकिन ये जो सी है, ये सी का ए से संबंध नहीं है कुछ, आप समझ रहे हैं यहाँ पे जो प्रॉब्लम यहाँ वी आर फेसिंग, दिस सी, ये सी सिर्फ बी से डिपेंडेंट है और ये सीधा जा रहा है लास्ट नोड में, इसको ए से मतलब नहीं। लेकिन ये और एक एक्टिविटी है डी, जिसका ए से भी मतलब है, बी से भी मतलब, तब हम तभी इस ऐसे डमी करके ही हम शो कर सकते हैं, ओके। सो डमी एक्टिविटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जबकि उनका खुद का कुछ नहीं होता है, राइट। सो देर इज नो स्पेंडिंग और नो टाइम ऑन डमी एक्टिविटीज, बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर क्लैरिटी। समझ में आ गया? अच्छा, ये एक छोटा सा पॉइंट देख लेंगे एंड देन वी कैन गो अहेड एंड सर सी एक द। और चीज मुझे पूछनी है सर, वो जो नंबरिंग दिया है 1 2 3 4, वी ऑलवेज हैव टू से दैट नॉड और इवेंट्स, बहुत सेम सिनोनिम्स है दोनों ये जो, हाँ, नॉड नॉड इज इक्वल्स टू इवेंट, ठीक है, कुछ भी आप नाम ले सकते। सर इट मींस इन द सर्कल दैट इज वन रिटन दैट इज नॉड, वन वन जो लिखा है ना, सो एवरी नोड विल बी शोन बाय अ नंबर, सर दैट सर्कल इज नेटवर्क वी कॉल इट, इट्स ना नेटवर्क डायग्राम, होल थिंग, होल नेटवर्क डायग्राम, ये होल थिंग इज नेटवर्क डायग्राम, यस सर, बट इन सर नेटवर्क डायग्राम द सर्कल व्हाट वी कॉल दैट, इट्स नोड और इवेंट, यू कॉल इट नोड और यू कॉल इट इवेंट, ठीक ओके सर है। ये जो है, ये नोड भी बोलते हैं इसको, इट्स कॉल्ड एज इवेंट ऑल्सो। answer the lining from point 1 2 3 that we have written a and what we call that दिस इज, वी कॉल इट एज एक्टिविटी, like activity a from point 1 2 3 या दिस इज एक्टिविटी ए, ओके। सो द वायलेट कलर्ड सर्कल इज इवेंट और notes नोड and even yes एंड द ग्रीन लाइन इज योर एक्टिविटी विच यू विल कॉल इट विद दिस वेरिएबल ए, ठीक है। एंड एन एक्टिविटी विल स्टार्ट विथ वन नोड एंड विथ अनदर, ओके, इट इज एंडिंग ऑन 3 ईयर, ठीक है। तो कभी भी एक एक्टिविटी जो है सस्पेंडेड नहीं रहेगी, इट विल स्टार्ट विथ वन, ठीक है, व्हाटएवर, ओके, इट विल स्टार्ट विथ वन नोड एंड एंड विथ वन, कभी भी, ठीक है। तो एरो को सस्पेंडेड नहीं छोड़ना है कभी भी, ऐसे कोई भी नेटवर्क डायग्राम में आप एंड में ऐसा करके नहीं छोड़ देंगे, आप एक नोड बनाना है इसके बाद, ओके। तो जैसे जैसे अभी तो मैंने चालू किया, अभी बहुत सारे विल सी एग्जाम्पल्स ऑफ नेटवर्क डायग्राम्स, सो आप लोगों को यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट मोर एंड मोर, ओके। अच्छा, बस एक इसमें ये देखना है, प्रोसीजर फॉर ड्राइंग नेटवर्क डायग्राम, ओके, देयर आर 3 बेसिक क्वेश्चंस एंड नेटवर्क डिपेंड्स ऑन देम। दीज क्वेश्चंस आर, क्या क्या मालूम होना चाहिए आपको टू ड्रॉ नेटवर्क। सो फर्स्ट थिंग इज, विच ऑपरेशन मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर ईच गिवन ऑपरेशन कैन बी स्टार्टेड, ठीक है।
करंट ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले कौन सा ऑपरेशन खत्म होना चाहिए वो आपको मालूम होना चाहिए, यू शुड नो दैट, ओके। एंड देन यू शुड ऑल्सो नो विच एक्टिविटीज कैन बी कैरिड आउट इन पैरेलल, ठीक है। और नेक्स्ट क्या मालूम होना चाहिए, दिस एक्टिविटी अभी जो कर रहा हूँ इसके बाद कौन सा एक्टिविटी आएगा, दैट यू शुड नो। यू शुड नो इसके पहले कौन सा एक्टिविटी था, इसके बाद कौन सा आने वाला है, और इसके साथ साथ कौन सा चल सकता, दीज थ्री थिंग्स यू शुड नो, ओके। सो नेटवर्क डायग्राम जो हम बनाते हैं, ईजिएस्ट वे इज क्या करना पड़ता है, जस्ट वर्क बैकवर्ड, ठीक है। जो भी आपको जो भी स्टेप मिल रहा है, मिल गया है आपको एक, ओके, इफ यू हैव द लास्ट स्टेप फ्रॉम देयर गो ऑन वर्किंग बैकवर्ड्स, ठीक है। सो यू कीप ऑन जनरेटिंग इमीडिएट प्रीडेसेसर्स, पीछे वाले एक्टिविटीज, इसके पीछे कौन सा एक्टिविटी, उसके पीछे कौन सा एक्टिविटी, दैट्स व्हाट यू शुड गेट, ठीक है। तो चलिए इतना हो गया, बट रिमेनिंग थोड़ा बहुत जो थियरी है विल कंटिन्यू ऑन संडे, ओके। तो अभी मैं आपको विल स्टार्ट विथ सम इलस्ट्रेशंस, ठीक है। तो नेटवर्क डायग्राम्स ही हम देखेंगे, सो लेट्स सी पहला वाला क्या है। ओके, प्रोजेक्ट कंसिस्ट्स ऑफ 7 एक्टिविटीज, एक्टिविटीज पी क्यू आर रन साइमल्टेनियसली, ठीक है। अभी बोल रहा है सबसे पहले प्रोजेक्ट में कितने एक्टिविटीज है, 7 एक्टिविटीज, ठीक है। वन प्रोजेक्ट है 7 एक्टिविटीज, एक्टिविटीज पी क्यू एन आर रन साइमल्टेनियसली एंड दे आर रनिंग टुगेदर, ठीक है। इसका मतलब ये बोल दिया है कि तीनों एक ही नोड से स्टार्ट हो रहे हैं, ओके। इफ दे हैव गिवन यू अ साइमल्टेनियस इवेंट दैट मींस दे हैव ऑल स्टार्टेड फ्रॉम द सेम नोड, ठीक है। ये एक आपको ये कर सकते हैं, आपको यू कैन ऑलवेज अज्यूम दैट इफ देर इज अ साइमल्टेनियस एक्टिविटी देन इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम नोड, ठीक है। तो पी क्यू आर रन साइमल्टेनियसली, रिलेशनशिप अमंग वेरियस एक्टिविटीज ये यहाँ पे दिया है हमको, ओके। सी यह एक्टिविटी पी क्यू एंड आर, ओके, एक्टिविटी पी क्यू आर एंड आर ये हमारे स्टार्टिंग एक्टिविटीज, ओके। नाउ इसका इमीडिएट सक्सेसर दिया हो, ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमीडिएट सक्सेसर, इसके पहले No, just after P. Just afterwards, okay? Just after these activities is called as immediate successor, ठीक है? So यहाँ पे मतलब after P you have got S, after Q you have T, okay? After Yes, sir. R, ये मतलब है, ठीक है? Now all these three activities जो है ये simultaneous activities. तो नाउ एक्टिविटी वी इज द लास्ट ऑपरेशन, यहाँ पे पी क्यू आर एस टी यू दिया था, यस दे हैव सेड 7 एक्टिविटीज आर देयर, देयर इज अ लास्ट एक्टिविटी जिसका नाम है वी, ठीक है। देयर इज अ लास्ट एक्टिविटी व्हिच विल बी कॉल्ड एज वी, ठीक है। चलिए एंड दिया है, इट इज ऑल्सो द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ एस टी एंड यू, draw the network diagram. So V is immediate successor of S, T and U. मतलब ये S, T and U एक जगह खत्म हो गए, वहां से V निकलेगा, करेक्ट? Yes, sir. So इसका network diagram first कैसे हम चालू करेंगे? First we know P, Q, R and R running simultaneously. First they have told the us first node. P, Q and R are running साइमल्टेनियसली, तो एक नोड में से पी क्यू आर आर निकालेंगे हम साइमल्टेनियसली, ओके।
ठीक है, तो फर्स्ट क्या करेंगे आपका, वन इज योर फर्स्ट नोड और इवेंट, ओके। तो इसमें से आप, आपको तीन एक्टिविटीज निकल रहे हैं, ओके। तो ठीक है, फर्स्ट पार्ट में वी ओनली न्यू टिल हियर, पहले पार्ट में जब उन्होंने हमको बताया, ओके। सो नाउ जब सबसे पहला लाइन जो लिखा था, ओके, देर आर थ्री एक्टिविटीज रनिंग साइमल्टेनियसली, तो हम इतना ही बना पाए होते, ओके ठीक है। तो इसके बाद में नाउ, ठीक है, तो ये तीन एक्टिविटी बन गए, पी पी क्यू एंड आर आर रेडी नाउ, ठीक है। अब जो है, ओके, नेक्स्ट इन्होंने इसका नेक्स्ट एक्टिविटीज हमको बताया है, एस टी एंड यू, करेक्ट, ऊपर दिया हुआ था एस टी एंड यू, तो एस यहाँ से चालू हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होता, ठीक है, नाउ एट दिस स्टेज वी डिडंट नो कि तीनों भी एक ही नोड में यहाँ पे ज्वाइन होंगे या नहीं होंगे, वी डिडंट नो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमने कैसे बनाया होगा इसको, स्टार्टिंग में व्हाट वी वुड हैव डन, एस ऐसे बना दिए होंगे, ओके, और इसको मान लीजिए ऐसा बना दिए होंगे, और इसको यू को ऐसा बना दिए होंगे, उनको मालूम नहीं था। देन दे टोल्ड दैट जो ये वी है, वी ये तीनों एक्टिविटी खत्म होने के बाद, यानी एस टी एंड यू, आफ्टर एस टी एंड यू आर ओवर, ओनली देन वी इज स्टार्टिंग, ओके। यस सर, तो वो इस तरह ये बताया है, तो अब मुझे मालूम है, ये मालूम होने के बाद नाउ आई नो दैट, हाँ, एस टी एन यू एक ही इसमें जुड़ेंगे। सो वेन एवर यू मेक नेटवर्क डायग्राम, फर्स्ट थिंग इज यू ड्रॉ इट इन रफ, आपको मालूम ये डायग्राम इमीडिएट नहीं बन जाएगा आपका, बस जो जो डेटा है उसको लेके हमको स्टार्ट करना है, बेस्ड ऑन मोर एंड मोर डेटा जैसे देखेंगे वो डायग्राम बनते चले जाएगा, ओके। तो अभी फिर से एक बार हम देखते हैं इसको, सेम प्रॉब्लम को, लेट अस सी। प्रोजेक्ट हैज सेवन एक्टिविटीज, पी क्यू एंड आर रन साइमल्टेनियसली, तो ये हम पता चल गया कि तीनों एक ही नोड से निकल रहे हैं, ओके। द रिलेशनशिप्स अमंग द वेरियस एक्टिविटीज दिया है ये बाद में, ठीक है। तो इमीडिएट सक्सेसर, पी का इमीडिएट सक्सेसर इज एस, पी के बाद एस आना चाहिए, क्यू के बाद टी, आर के बाद यू आना चाहिए, इन द एंड देर विल बी वी विच इज इमीडिएट सक्सेसर ऑफ बोथ एस टी एंड यू। अब जो है इस डेटा के बाद हमको ये पता चला, इनिशियली वी जस्ट मेड दिस, ठीक है, साइमल्टेनियस एक्टिविटी जो है ये आपका, साइमल्टेनियस एक्टिविटी इज अ मर्ज एक्टिविटी, ठीक है, मर्ज एक्टिविटी या बर्स्ट एक्टिविटी, सर बर्स्ट एक्टिविटी। तो कभी ये देखना आप, जैसे नाम के साथ जाओ आप, वो अगर एक नोड से टूट के निकल रहा है, देन इट्स अ बर्स्ट एक्टिविटी, जाके जुड़ जा रहा है तो इट इज गेटिंग मर्ज, ओके। तो ये पहला वाला हमको मिल गया, ये तीन साइमल्टेनियस एक्टिविटीज है विच आर बर्स्ट एक्टिविटीज, ठीक है। इसके बाद उन्होंने वो टेबल में दे दिया था ये कि दैट ऑल थ्री, पी के बाद एस है, ओके, पी के बाद एस है, देन क्यू के बाद टी है, और ये यू है, लेकिन ये तीनों एक ही नोड में जुड़ेंगे ये हमको मालूम नहीं था अभी भी, वी डिडंट नो दैट दीज थ्री विल ज्वाइन द सेम नोड, ओके। बट इन द एंड दे सेड दैट व्हेन दे टॉक्ड अबाउट वी, दे सेड इट इज द कॉमन प्रीडेसेसर ऑफ एस टी एंड यू, देन वी केम टू नो दैट अच्छा कॉमन प्रीडेसेसर है ना, दीज थ्री लाइंस आर ज्वाइनिंग इन वन नोड, सो वी मेड इट लाइक, अंडरस्टूड।
अब ये पूरा चीज जो है इसको क्या बोलेंगे? नेटवर्क दिस इज अ नेटवर्क और अ नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, ठीक चलिए अभी और एक देखते हैं। ओके, चलिए ये वाला देखेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी क्या बोलता है। दिस इज आवर टेबल, ठीक है, तो यहाँ पे दिया है दिस इज एक्टिविटी, दिस इज प्रीडेसेसर। प्रीडेसेसर है ना, दिस रो, ये वाला जो रो है इज बिफोर ये एक्टिविटी वाला रो। ठीक है, यानी अगर हमारे नॉर्मल नॉलेज से हम काट के हमको करना है, ये प्रीडेसेसर को काट के मैंने यहाँ लगा देना चाहिए। ये प्रीडेसेसर ये पहले है, बाद में ये एक्टिविटी हो रहा है। ठीक है, सो इसमें पहले ये समझना जरूरी है विच इज बिफोर विच इज आफ्टर। सो दिस इज फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ डैश से है ना, ये स्टार्टिंग हो रहा है। एनी प्रोजेक्ट टू स्टार्ट विथ नथिंग। ओके, पहला है आपका ए। ओके, इसके बाद नाउ नेक्स्ट टू है प्रीडेसेसर ए, ए ही है दोनों। सो आफ्टर ए यू हैव बी एंड यू हैव सी। ठीक है, तो इसीलिए सी यहाँ पे इतना अगर हम करेंगे यहाँ पे, आई जस्ट नॉट रिटन द नोड्स का नंबर नहीं लिखा है। ठीक है, यहाँ तक देखिए। ओके, व्हाट एवर यू कैन सी इन द रेड ब्लॉक, यहाँ से बनाया है मैंने। ओके, प्रीडेसेसर इज जीरो, यानी पहला वाला नोड है। दिस विल बी, इसको इस नोड को मैं वन बोलूँ। ओके, दिस नोड वन, ए विल गो आउट फर्स्ट एक्टिविटी। देन आफ्टर ए का ए इज द प्रीडेसेसर ऑफ बी एंड सी। ठीक है, ए के बाद बी, ए के बाद सी। हेंस हियर व्हाट यू कैन सी इज, ठीक है, एक के बाद बी, एक के बाद सी। ओके, तीन हो गए, थ्री थिंग्स आर ओवर क्लियर। अच्छा, इसके बाद क्या है देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट इज सिर्फ बी है, आफ्टर बी यू हैव डी। ठीक है, ये हमारा बी था, दिस इज बी, बी के बाद हमारा डी है। डन। राइट, ये है बी, बी के बाद डी है। ये सब नंबर्स आएंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पे टू आएगा, थ्री यहाँ डालिए, फोर यहाँ डालिए। ठीक है, अनलेस द ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट, नंबरिंग का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता। ठीक है, जहां पे आपको नंबरिंग सिर्फ ऑर्डर दिखाता है किसके बाद क्या होने वाला है। राइट, सो अनलेस यू हैव एनी इंफॉर्मेशन जिसमें ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी बेसिकली ये वन है, टू है, इसको भी थ्री बोल सकते हैं आप, इसको भी थ्री बोल सकते हैं। फाइन, तो चलिए, सो आफ्टर बी यू हैव गॉट डी। चलो ये हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सी, और सी का प्रीडेसेसर है ई एंड एफ पहले जैसे ही। ओके, सी, ठीक है, सी का, सी के बाद, सी के बाद है ई एंड एफ। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या करेंगे, विल जस्ट, ठीक है, ये सी है, ये सी है ना, सी, ये है सी हमारा, सी के बाद ई एंड एफ। ठीक है, ओके, तो अब नाउ यू कैन सी दिस कलर्स, ये कहाँ कहाँ जुड़ रहे हैं। अभी यहाँ हमको वी डिडंट नो टिल नाउ कि ये डी का आगे क्या होने वाला है। ओके, सो हमने इसको सीधा से निकाल लिया। सिमिलरली आफ्टर
सी वी न्यू दैट ई एंड एफ विल कम आउट, बट आगे क्या होगा वी डिडंट नो, इसलिए पहले वैसे ही रख दिया. सो लेट्स सी आगे का हम देखेंगे. अब डी ई एफ तीनों को जोड़ना है हमको, वी नीड डी ई एंड एफ फॉर जी. ठीक है, तो ये है हमारा डी, ये है ई एंड ये है एफ. ओके यहाँ पे ये डी, ये ई, ओके एंड दिस एफ, ये तीनों जोड़ना है. अब तीनों को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ये डमी से जोड़ देंगे. ये एक डमी है, ओके दिस डमी से इसको जोड़ दिए, यहाँ के एक डमी से इसको जोड़ दिए. ओके सो अब क्या हो गया, ऑल तीनों पॉइंट्स एक ही पॉइंट में आ गए, विच इज दिस वन. ठीक है, तीनों पॉइंट जो है हमारे अब इसमें आ गए, इसमें जुड़ गए, राइट. एंड नाउ ये है लास्ट आपका, दिस इज जी, जी के बाद है एच. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आपको ये यहाँ पे जो है ना डी ई एंड एफ के बाद ये जी आ गया. ठीक है, जी के बाद एच आया है करके बताया है उन्होंने, तो इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, जी के बाद जो है आप एच डाल देंगे, आप ये एच एक्टिविटी है, इसका एक नोट डाल देंगे. ठीक है, समझ में आया. बस यहाँ पे खत्म हो जाएगा. और यहाँ ये क्या नाम लिखेंगे यहाँ पे, एच एच एच. सर हम लोग डमी नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा ना? डमी नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए एक डमी तो इम्पोर्टेंट है. जैसे मतलब कौन सा? नीचे जो एक्टिविटीज दी है जी वाले में डी ई एफ, तो वो तो ऐसे भी जा सकती थी ना, मतलब से डी है तो इट्स गोन लाइक दिस एंड एफ इज गोन लाइक नहीं हाँ वो दिस, तो आप मतलब ज्वाइन कर अगर सकते हैं. ठीक इसकी नेटवर्क चेंज हो जाएगी थोड़ी सी. हाँ, नहीं वो चलता है. ठीक है, थोड़ा सा चेंज होता है, दैट्स नॉट एन इश्यू. ओके, यस लेकिन पॉइंट ये है, वही मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है आपका पहला वाला, इसको आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, इसको आप डायरेक्टली यहाँ ज्वाइन कर सकते हो. ओके, हाँ एंड यू कैन अवॉइड वन डमी, लेकिन इसमें दो आपको करना जरूरी है, ये तो दोनों वही बने हाँ ना, सर. सुपर इम्पोज हो जाएगा दोनों, ई एंड नहीं एफ. तो सर जैसे एक ये भी तो कर सकते थे, जिस मतलब ई एफ और मतलब इसका नेटवर्क ई और एफ को हमने अलग कैसे कैसे देखा है करेंगे? सर, हम आपको भेजते हैं. तो ई और एफ को जो है मतलब आपको बहुत पास पास बनाना पड़ेगा, बिकॉज योर आपका जो ये है सी जहाँ खत्म हो रहा है आपका. ओके ये देखिए, जस्ट जस्ट सी हियर, सी यहाँ पे क्या है आपका, हियर यू हैव ई एंड एफ. ठीक है, बोथ आर स्टार्टिंग एंड एंडिंग इन द सेम नोट, करेक्ट. इसी का डिस्कशन हमने किए थे ना स्टार्टिंग टुडे, स्टार्टिंग में आ गए. यस इसको और इसको भी अगर यही बना दिया तो ये पास पास हो जाएगा ना, बहुत ये वो क्लैरिटी नहीं रहेगी उसमें, इसीलिए स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है तो दिखने के लिए आपको एक डमी बनाना जरूरी हो. यहाँ पे देखिए आप, मुझे ई कितना इजीली सेपरेटली दिख रहा है, क्लियर. एफ ऑल्सो आई एम एबल टू सी सेपरेटली, करेक्ट. इसीलिए आपको कभी भी व्हेन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग नोट्स आर सेम ऑलवेज यूज अ डमी. अंडरस्टूड? रुचि? यस चलिए, सो ये हो गया एक, एंड देन इसको करेंगे बाद में. एक और एग्जांपल बस कर लेते हैं. ठीक है, सो यार ये एक इलस्ट्रेशन है. ठीक है, दिस इज एन एक्टिविटी हमारी,
एंड दिस इज प्रीडेसेसर, ठीक है, दोनों ये डैश है, ठीक है, मतलब ये दोनों भी स्टार्टिंग पॉइंट्स, करेक्ट, स्टार्टिंग नोड है, ए एंड बी आर कमिंग आउट, ठीक है, सो जीरो से यानी फर्स्ट नोड से, ए वन से मतलब ए एंड बी आर कमिंग आउट, फिर ए और बी साथ में चाहिए आपको और अलग अलग भी चाहिए, सी ईयर यार, ए एंड बी आर टुगेदर, यहाँ पे ए एंड बी आर सेपरेट, ठीक है, तो ये है, तो जहाँ पे भी जो है आपको, इफ यू नीड टू एक्टिविटीज टुगेदर ऑल्सो इन अ डिफरेंट वे, सेपरेटली ऑल्सो इन अ डिफरेंट वे, वहाँ पे डमी यूज करना पड़ता है, सो यार फर्स्ट यू विल मेक ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी बनने के बाद ए बी से जॉइंट ज्वाइन करके आप सी निकालोगे, ठीक है, एंड देन ए एंड बी से सेपरेटली यू विल टेक आउट डी एंड ई, यानी हम ये बोल रहे हैं, ठीक है, ये एक नोड रहेगा स्टार्टिंग वाला, ओके, ये हो गया हमारा ए, दिस इज बी, ओके, और नाउ ये ए है, ये बी है, ओके, ठीक, दिस ए, दिस इज बी, नाउ ए और बी के बाद में डी है, ए के बाद ई है, आफ्टर ए वी हैव गॉट ई, ठीक है, इसके सबके एंड नोट्स बना देना कभी, ओके, एंड यस ठीक है, इसके एंड नोट्स बन गए हमारे, नाउ यू कैन जस्ट सी ये दोनों को देखेंगे, ये दोनों, आफ्टर बी इज डी, आफ्टर ए इज ई, आफ्टर ए इज ई, ठीक है, आफ्टर ए इज ई, ये ई है, एंड आफ्टर बी इज डी, सो ये डी, ठीक है, यानी हम बोल रहे हैं ये डी है, बी तो सी कहाँ है? सी आएगा बीच में, ठीक है, अब सी हाँ के लिए आपको ए एंड बी जुड़े हुए चाहिए, ठीक है, सो विच इज डमी, वाई यू हैव हम टू मेक डमी, एक डमी बनाना पड़ेगा इसके, ठीक यस है, तो बस ये है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ओके, ए और बी जुड़ के जो ये बन रहा है ना, ये दोनों जुड़ के ये है सी आपका, तो सर इसमें जो एक्टिविटीज लिखेंगे वो दोनों में सी लिखेंगे, एक्टिविटीज रुके रुके पहले एक मिनट, तो क्या मैं करेंगे, गड़बड़ हूँ क्या? ठीक है, तो यहाँ पे क्या किए, सबसे पहले 0 से चालू किए ए और बी में गए, ठीक है, देन ए और बी से सेपरेट डी और नी निकाले, ये निकाले और ए बी को जोड़ के सी निकाले, ठीक है, इतना किए पहले, तो इसको देखते हैं पहले, ओके, यहाँ अच्छा, ये जो शेप है ना, शेप थोड़ा बहुत फर्क आएगा बेस्ड ऑन हाउ लॉन्ग आर योर एक्टिविटीज, आपने जितना लंबा खींचे हैं उस हिसाब से शेप में डिफरेंस आएगा, दैट इज ओके, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्लो शुड बी करेक्ट, यस राइट, तो देखिए यहाँ पे ये ए एंड बी पहले, फिर ये जो है आपका ई और ये है डी, बी ठीक है, एंड बहुत देन लंबा ये आ गया एक है डमी और ये दो डमी आ गए हमारे बन गए, ठीक है, ये जो हमारा जो नोड है इसमें से अब निकलेगा सी, ठीक है, सर, और फिर चलिए तो यहाँ तक हम आ गए थे, ओके, सो देन यस नेक्स्ट जो है ये हमको देखना है, ये देखिए एफ यहाँ पे जो है ना,
एफ इज आफ्टर सी, इज एफ आफ्टर सी हम देख लेते हैं, ये सी ठीक है, इसके बाद में आया एफ यहाँ, ओके आफ्टर सी यस एफ आ सर, गया, तो एक लाइन और हमने जोड़ दी। अब नाउ ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ई है ऑलरेडी, ए के बाद ई था, सी के बाद एफ है, नाउ ई और एफ जोड़ के जी बनाना है, ई एंड एफ टुगेदर, मेक वन मोर डमी। ई एंड एफ ठीक है, एक बार आप लोग ट्राई करना घर पे, ओके ई है ये, सी के बाद में एफ है ठीक है, एफ इसको भी सर बिना डमी के हम लोग बना सकते थे, बट आई थिंक सो एच में प्रॉब्लम हो। नहीं, यहाँ हाँ पे कनेक्शन है एच में भी है, यस सर। लेकिन ओके, अगर स्टार्टिंग आप यहीं तक हो तो इफ यू आर टिल हियर ओनली, और आप अगर सीधा जोड़ रहे हो तो कोई गलत नहीं, आगे का ओके जब सर, आपको दिखेगा तब आप उसको करेक्ट कर सकते यस सर, हैं ठीक है। सो बिकॉज ये डायग्राम का ये बनता है, जैसे जैसे हम आगे एज एन नाउ वी गो अहेड द डायग्राम विल गो ऑन चेंजिंग ठीक है, इसलिए रफ में ही ट्राई करना पहले। सो आफ्टर ई एंड एफ ये जी आना है, तो इसीलिए ये डमी जो है ना, डमी को मैं यहाँ पे ब्लू में बताता हूँ ठीक है, ये है डमी ओके, इसको यहाँ पे जोड़ यस दीजिए एंड नाउ वी गेट दिस जी ठीक है, यहाँ तक सही हो गया हमारा, जी मिल गया हमको। नाउ यहाँ से आ रहा है ये एच, एच और जी मिला के चाहिए आपको आई ओके, सो दिस एच और ये जी मिला के आपको आई में जाना है ठीक है, यहाँ पे देखिए यार एच और जी मिला के आपका आई में जा रहा है यहाँ ओके, एच एन जी मिला के आई में, आप ये करके रफ में आप लेके जस्ट ट्राई टू डू इट ऑन यूजिंग पेन एंड पेपर ठीक है, आपको समझ में आएगा। सो वंस यू रीच आई, आई के बाद है लास्ट लाइन है विच इज जे ठीक है, ये आई है, आई के बाद में जे खत्म ठीक है। सो ये इस तरह से चीज, जस्ट टेक दिस क्वेश्चन को लेके कोई एक रफ में हम स्टार्ट करके यू ट्राई टू ड्रॉ इट, यू विल गेट टू नो, आ जाएगा आराम से, ये उतना टफ नहीं नेटवर्क डायग्राम जो है ओके। सो वी विल डू ऑल और भी इलस्ट्रेशंस हम करेंगे ओके, नेटवर्क के कुछ है यहाँ पे, दिस 1B एक है, आप कंप्लीट करना चाहते हो उसको, 1B छोटा ही है, और लेटर ऑन संडे ठीक है ओके देन। तो और एनी अदर क्वेश्चन, अब ये समझेगा धीरे धीरे आपको, फर्स्ट लेक्चर में यू विल अंडरस्टैंड वेरी लेस क्योंकि इट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक, सो नेक्स्ट लेक्चर में आपको थोड़ा और समझेगा, तो जस्ट यू कैन शुड जस्ट गो टू योर स्टडी मटेरियल, थोड़ा सा ये वीडियो मैं आज ही लोड कर दूंगा ओके, यू कैन सी दिस वंस बिफोर कमिंग फॉर द नेक्स्ट क्लास, ओके सर, ऑन संडे यू विल फील बेटर, आफ्टर दैट आई हैव अ स्लॉट ऑन ट्यूजडे, शिवम सर इज ऑन लीव ऑन ट्यूजडे बट ही इज गोइंग टू कंडक्ट दैट क्लास ऑन वेनसडे, तो इसलिए ट्यूजडे को 9 to 11 आई विल हैव वन ऑफ योर क्लास, ट्यूसडे इवनिंग शिवम सर का कोई क्लास नहीं, 9 to 11 वी कैन हैव ओके सर, ओके, चलिए देन ओके, सो थैंक यू, सो वी विल ओके सर, मीट, गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू सर। थैंक यू।